वाराणसी पुरपतिमो भजो विश्वनाथमो तो शीश जटाओ से शोभित हो वो देव धुनी जलधारा और सुचि ललाट पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर प्यारा तो तीन नयन उपवीत भुजग हो बासुकी हो इठलाते हर हर बम बम का महोचार हो शिवगण सदा सुनाते तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सीधारी हो फफक रहे विषधर के ऊपर बन विषधर विषधारी तो दिम दिम करता दिमिक रहा हो तकवा संभ तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तम नारा जय जय कमलाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग घुमावर नीलकंठ में तुंजय संधर दम्बूधर विनाकधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु सरस्वती दिगंबर आख्यान अवस्थित पीपल स्वाम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा ये शब्द को सुनकर समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टुक टुक हो गई भोलेनाथ कोने घोर कठोर ने यकीन है शब्द प्रकाश ये छेद गए पाताल को भेद गए आकाश या भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निजगैल ये हलत धरा भूधर सभय ये छवि धरा युक्सैल कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा कोमल कल मलिन दिखलाता है पद्मे में सिंह गरजते हैं इन चिड़ियों का कलरव होता है क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस वस्था का कड़कड़ कहता है आज हिमालय सुशील काल में पिघल पिघल कर बहता है हिमालय मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी अब तेरा साहस क्यों समाप्त हो रहा है ये शेष क्यों कुला रहा है ये कक्षप क्यों घमला रहा है कौन कह रहा है रेणुका तने परशुराम सावधान क्या कर रहे भोलेनाथ ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई क्यों श्वान निकल कर रोते क्यों मन समाधि में नहीं लग रहा क्यों श्वान निकल कर के रोते ये चढ़कर वायुयान पर नभ में बंदारक क्यों झूल रहे ले ले कर फूलों की झोली ये पुष्पावलियों को डाल रहे क्यों शांत हो गई सुख सरिताएं निर्मल जल धारा मंद हुई ये मानस के मान सरोवर में मंदाग्नि गति क्यों मंद क्या कवन है भोलेनाथ बार बार मेरे कवन कोहरों में कौन सी आवाज गुंजायमान हो रही है कौन कह रहा है रेणुका तने परशुराम सावधान आ रहा हूं भोलेनाथ आपकी शरण में याद कराए महादेव याद कराए हो गया किसी भीड़ के द्वारा गुरुदेव के कोदंड पे खंड खंड कर दिया गया वह गूंज गया न मंडल में घनघोर सतल फूट गया पर में सिंह ढाल उठे सोनित का सुर लूट गया अभेक चलो भरन का ध्यान समाधि छूट गया पहचान लिया मिथिलापुर में शुतात का कल टूट गया अश्रम की देवियों अश्रम की रक्षा करना और स्वामी निश्चित काल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान करता है तुम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ही हमारे सोने से बैठा भंगा आयो है कुल कमल पतंगा और शरीर भूति भल राजा भाग विशाल इनको जल खाना भाग में करनी पैन चाहे सो धर्म इंद्र वीर आयो जहां सब हो देखत भगपति वेश कराला उठे सकली भय विकल
भुआ। परशुराम जी ने आते ही सभी राजाओं को दृष्टि में कस लिया। राजाओं ने सोचा कि बचने का उपाय, तो सभी राजा आए, दंडाकार श्री चरणों में लेट गए और प्रणाम किया, पिता सहित परिचय दिया। इसके पश्चात जनक बहोरी आई श्रीना तपोनिष्ठ। आपके श्री चरणों में रागा सवरी है, ये सेवक बारंबार आपको प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है। कि स्वप्न मन के अधूरे कि पूरे हुए कल्पना को भला और क्या चाहिए। कि आज भक्त के द्वार पर कि आज भक्त के द्वार पर आज भगवान है, तो इस भावना को भला और क्या चाहिए। कि भक्त के द्वार पर आज भगवान है, तो इस भावना को भला और क्या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में स्थिर होकर अपनी रानी सुनैना को वाम भाग पर बैठाल कर नित्य ब्रह्म चिंतन करने वाले शिवध्वज, तुमने कहा स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए भावना को भला और क्या चाहिए। देखिए संसार में जितना खेल है सब भावना का खेल है। अगर हृदय में भावना है तो हम परमात्मा को पा लेंगे, और हृदय में भावना नहीं है, मंदिर हम गए तो मंदिर में हमको खाली पत्थर दिखेंगे, भगवान न दिखेंगे। क्योंकि भावो विद्यते देवा, न काष्ठो न मय मनो, क्योंकि व्यक्ति के भावना में भगवान का वास है। और भगवान संसार की वस्तुएं के भूखे नहीं है कि भगवान का दुई लड्डू चढ़ा दो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान धन के भूखे नहीं हैं, संसार में अगर भगवान भूखे हैं तो केवल भाव के भूखे। अगर हृदय में भाव है तो भगवान आपके द्वार में नंगे पैर आ जाएंगे, लेकिन अगर भाव नहीं है तो आपके पास न जाने कितना धन है परमात्मा को उसके कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। देखिए व्यक्ति रात्रि में सोता है, सपना देखता है, सपना में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा हो जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति जागता है तो महाराज राजा राजा रहता है और भिखारी कुछ इसका फल नहीं होता। सपने होए भिखारी नप रंक नाक पति होए, और जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच जिय जोए। तो तुमने प्रणाम किया, मैं सोच रहा हूं तुमको आशीर्वाद में क्या दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति को जब आशीर्वाद दिया जाता है तो उसके पास जो कमी होती है उस कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं राजा जनक के यहां कोई कमी नहीं है,
अगर कमी है तो केवल कमी की ही कमी है। जो संपदा नीच गृह सोहा तहीं बिलोक शुभ नायक मोहा। यदि तुमको ज्ञान दिया जाए तुम ज्ञान की गरिमा से पहले गौरवान्वित हो। जहाँ अष्टावक सेत कहे तो ऐसे महान ज्ञानियों द्वारा ज्ञान अर्जन होता है। जहाँ की नारियां अपने पुत्रों को वेदांत का ज्ञान देती है ऐसा तुम्हारा ज्ञान है। देखिए संसार में तीन तत्व है, एक है जीवात्मा, दूसरे हैं परमात्मा और तीसरे हैं महात्मा। तीनों तत्व हैं संसार में, जीवात्मा परमात्मा और महात्मा। नीचे है जीवात्मा, ऊपर है परमात्मा और बीच में है महात्मा। अब कहेंगे पंडित जी महाराज ये बीच में महात्मा कैसे हैं? यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के संपर्क सूत्र का नाम है महात्मा। जब तक किसी व्यक्ति को महात्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा तब तक हम भगवान को जान। संत ही बताते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, संत ही बताते हैं कि भगवान का प्रारूप क्या है। तुम्हारा ज्ञान दिव्य है, तुम्हारा जीवन दिव्य है। अस्त तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना। हेलो हेलो हाँ देखिए आनंद बहुत आ रहा है। आप लोग थोड़ा समय दें, आप लोगों को देख के और आनंद आ रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे तो जनक उसे ही कहते हैं मन में अभिमान कभी ना लावे। तो जनक उसे ही कहते हैं, इतना नहीं अगर आवश्यकता पड़ जाए तो वो स्वयं हल चलावे और धरती से कन्या को भी उत्पन्न। जो धरती से कन्या उपजावे तो जनक उसे ही कहते हैं। और जो भर बैठे भगवान बुलावे तो जनक उसे ही कहते हैं। जाओ शिवध्वज तुम्हारा मंगल हो, आयुष्मान भव दीर्घायु हो। सीय बुलाई प्रणाम करावा। सीता की सखियों ले आओ मेरी पुत्री को मेरे समीप। आओ बेटी आओ,
प्रणाम करा। आपके मेरे शरीर देखो देखो ना, अरे वही परशुराम जी हैं जिनके बारे में आप हमसे पूछ रहे थे कि पिताजी कब आगमन होगा, तो आज आगमन हो गया है, आज आपका जीवन धन्य हो गया है। तो चाहता ही हूं बेटी कि इनके श्री चरण कमलों में हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करो पुत्री, प्रणाम करो बेटा, प्रणाम करो। शिवध्वज बालिका दिव्य है और इस अद्भुत बालिका द्वारा तुम प्रणाम करा रहे हो। इस बालिका को देखकर ऐसा लग रहा है साक्षात उमा माता पार्वती माता लक्ष्मी माता सरस्वती ही अपना समूचा श्रृंगार करके सन्मुख परशुराम को दर्शन दे रही है। क्योंकि जो कन्या का जीवन होता है वो स्वाधीन नहीं होता, वो पराधीन होता है। जब बालिका का जन्म होता है तो जन्म से ही बालिका अपने पिता के अधीन हो जाती है। बालिका का जब विवाह हो जाता है तो विवाह पर्यंत बालिका अपने पति के अधीन हो जाती है, पति के पश्चात उस बालिका का जीवन तब भी स्वतंत्र नहीं हो जाता, पति के पश्चात वो बालिका महाराज अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। बालिका ऐसी नहीं है, बालिका संसार को विशेष रूप से प्रकट करने वाली है। जब कवि ने बालिका के जीवन का दर्शन किया तो एक रूप में दर्शन नहीं किया, आठ रूपों में दर्शन किया। बालिका है कौन व्यास जी भैरवी के माध्यम से? जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, जो प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। इतना नहीं, जो प्रेम की परिभाषा पढ़ावे तो उसे कहते बालिका, प्रभु को धरा में खींच लावे तो उसे कहते बालिका। शिवध्वज बालिका दिव्य है, लग रहा है ये दिव्य बालिका है तो ये जाई नहीं हो सकती, अभी तो कहीं ना कहीं से ये पाई है। अगर पाई है तो जानना चाहते हैं कहां से पाई है। आपने जानना चाहा कि बेटी कैसे प्राप्त हुई है। बिल्कुल तपोनिष्ठ, ये बेटी मेरी जाई नहीं, ये तो बेटी मेरी पाई हुई है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, तपोनिष्ठ बेटी मुझे कैसे प्राप्त हुई कि छेत पुंडरीक हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, मेघ छाने लगे। कि चलते चलते रुका हल और मिला एक घड़ा, कि चलते चलते रुका हल और मिला एक घड़ा, और हुई एक कन्या प्रकट, अरे हुई एक कन्या प्रकट, तो मैं गया इसके निकट, और ही से इसे हम लगाने लगे, मेघ छाने लगे, मेघ छाने लगे। और बेटी का नाम इस प्रकार से है तपोनिष्ठ कि नाम जानकी, नाम जानकी, और वो परम पुनीता नारद
आए कहे पुनि सीता। बेटी का नाम सीता है तपोन सीता। धन्य हो शिवत ध्वज, भूपाल नाम को चरितार्थ तुमने किया। भूपाल माने जो भूमि में रहने वाले जीवन का पालन करे उसको ही भूपाल कहते हैं। यहाँ भी दीप दीप के भूपति नाना आए हैं। किसी राजा के राज्य में अकाल पड़ जाए, वहां के राजा से आप जाकर कहें महाराज हल चलाएंगे तो पानी बरसेगा, तो क्या राजा हल चलाने के लिए तैयार होगा? अब सब विचार करें, राजा हल चलाना तो दूर, वो राजा खेत में जाने के लिए भी तैयार? लेकिन राजा चरक ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने प्रजा के पालन के लिए स्वयं हल कर्षण किया। धन्य हो शिवत ध्वज, तुमने कहा तुम्हारे यहां 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ा और अकाल की विकराल ज्वाला में जलती हुई प्रजा को बचाने के लिए तुमने हल कर्षण किया। सोने का हल तुम्हारे मित्र सौराष्ट्र के राजा पूर्व ने दिया और सोने के हल से हल कर्षण हुआ। अच्छा, इस बात पर हमको आपको विचार करना है, राजा जनक के यहां कितने वर्ष का काल पड़ा? 12 वर्ष का काल पड़ा। अच्छा, कहीं अगर 1-2 वर्ष तक पानी ना बरसे और अकाल पड़ जाए तो उस स्थान में क्या लकड़ी का हल चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि भूमि इतनी कठोर हो जाएगी कि उस भूमि में लकड़ी का हल चलाना भी असंभव। लेकिन राजा जनक के यहां 12 वर्ष का काल पड़ा और राजा जनक ने हल चलाया, सोने का हल चलाया, और सोने का गुण होता है कोमलता, तो क्या ऐसी धरती में सोने का हल चल जाएगा? हां हूं करो, ना चल पाएगा, है ना। जहां 12 वर्ष तक पानी ना बरसे वहां सोने का हल ना चल पाएगा। लेकिन राजा जनक ने कहा हमने हल कर्षण किया, बिल्कुल किया, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब आपदा आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को छोड़ देता है। लेकिन राजा जनक के यहां इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा आने के बाद आपदाओं को सहते रहे लेकिन अपने धर्म को छोड़ा, अपने राज भंडारों को खोल दिया, अन्न का एक तिनका नहीं बचा था लेकिन फिर भी अपने धर्म को छोड़ा। और शास्त्र कहते हैं जो धर्म को नहीं छोड़ता धर्म उसको भी, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षता। तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म ने तुमको नहीं छोड़ा, तुम्हारे स्वभाव को देख करके इस धरती ने अपना स्वभाव बदल दिया, क्योंकि परमात्मा की 8 प्रकार की प्रकृति ब्रह्मवाणी में बताई गई है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति में भिन्ना प्रतिवष्टधा। तुमने धर्म का पालन किया, बालिका दिव्य है, इस बालिका के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। और समौरा निवासी श्री ताऊ जी आपकी ओर से श्री परशुराम जी के श्री चरणों में विश मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया तुम्हारा जन्म इस धरती से हुआ, अब अपनी मैया से एक निवेदन कर देना, अब कभी इस भारत की भूमि में अकाल दुकाल दुर्भिक्ष महामारी का प्रकोप ना हो, यहाँ के लोग अन्न जल के अभाव में कभी क्षुभित और त्रसित ना हो, अपनी मैया से कह देना। अपनी मैया से कह देना, ये धरती मैया से कह देना, अब अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। इतना नहीं बिटिया, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे गेहूं गन्ना, और कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना, इन भांति भांति के धन धान्यों से इस भारत को भर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। इतना नहीं बिटिया, तेरा पति जग का राजा हो और तू हो जग की रानी, इन इतिहासों के पन्नों पर हो तेरी अमर कहानी, फिर पीर प्रसवनी उस प्रकार से जैसे माँ गिर जा, जा बेटी तू जा, जा सीता
दे तू जा। बिटिया तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि धरती माता तेरे दुख को नहीं सहन कर सकती, और तेरे दुख को देख के पृथ्वी किसी समय फट सकती, तब तू इसके फटे हुए अंतस्थल में मिल जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। भवे भवस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम व्यजन काज प्रजहि, ले जाओ श्रीमद ध्वजवालिका को। आशीष दीन सखी हर्षानी निजे समाज ले गई शयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई। संत दर्शन हरि कृपा का सुप्रमाण बंधु, संत दर्शन परमात्मा को एक स्थिति में प्राप्त होता है जब जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन संसार में व्यक्ति तो बहुत होते हैं, कुछ मिलकर भी मिल नहीं पाते, कुछ मिलते हैं लेकिन हृदय से नहीं मिलते, और कुछ मिलते हैं फिर भी अनदेखा। सच्चा मिलना क्या है, जब मिला जाए तो चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोर, बाबा से नाती मिले तो हर से साठ करोड़। चार मिले दो नेत्र बाबा के और दो नेत्र हमारे, जब चार मिले तो चौसठ खिले, बत्तीस दांत बाबा के और बत्तीस दांत, बीस रहे कर जोर। महाराज एक व्यक्ति के हाथ में दस उंगलियां होती हैं, और दो हाथ दो व्यक्तियों के हाथों में बीस उंगलियां, और बाबा से नाती मिले तुम हर से साठ करोड़। कारण है क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रुएं होते हैं, बाबा नाती का जब मिलन होता है तो महाराज रोमांच हो जाता है, हृदय फुल्लित हो जाता है। तो हर से सात करोड़। बहुत दिवस बीत गए थे बाबा, आपके दर्शन नहीं हुए थे, आज आपके दर्शन हुए, हृदय प्रफुल्लित हुआ, आप हमसे मिलने आए। और अगर बाबा नाती से मिलने आता है तो नाती दुआरे ठार हो जाता है, बाबा कुछ लाए कि न लाए, ये नाती का स्वभाव है। अगर बाबा आएगा तो नाती कुछ ना कुछ चाह तो करेगा। आप हमारे बाबा हैं, हम आपके नाती हैं, आप मिलने आए तो कुछ लाए कि ना लाए। नहीं, बहुत अच्छी चीज लेकर के आए। धर्मात्मन राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, ये परम पूजनीय श्रद्धेय भार्गव है, इनको प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा ये श्यामल गौर मधुभयस किशोर, नित्यानंद दाता अलकावली में भंवावली को लज्जित करने वाले, कयूर बंध विष्ठित कोटि कोटि कंदर्प दर्प धनुशील शोभा संपन्न बालकों को देखकर साज याद पुतुष्टि हो रही है। बाबा बहुत ये बालक बहुत सुंदर हैं, इन बालकों की प्राप्ति कहाँ से हुई आपको? ये राजा दशरथ के सुपुत्र है, अयोध्या इनका स्थान है जी। श्याम गर वर्ण वाले बालक का नाम राम, ये गोरा गौरांग वर्ण वाले बालक का नाम लक्ष्मण, ऐसा इनका परिचय। यानी आप अयोध्या गए? गए माने होना, इससे पहले भी एक बार गए थे जब वहाँ का राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था, राजा का राजपाट छिनवा दिया, पुत्र पत्नी को बिकवा दिया, राजा को मरघट तक पहुँचा दिया, और फिर पहुँच गए। क्या कारण था बाबा? निशाचर आपको परेशान करती थी। हाँ, परेशान करते जब निशाचर आपको सताते थे, लेकिन बाबा नाती से नहीं बताते थे। अगर बाबा को कोई कष्ट होगा तो नाती से बताना चाहिए। बाबा को निशाचर सताते थे लेकिन बाबा ने हमसे एक बार बताया है। जब समुद्र बाबा के अश्वम को डुबो देता था, मुझसे कहा था, मैंने एक बाण से समुद्र की गति को छह योजन पीछे कर दिया था, उस समय हम समाधि में रहे होंगे, इसलिए आपने बताना उचित नहीं। सुंदर बाबा बालक बहुत सुंदर है, इन बालकों के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। हे राम तुम्हारे मर्जुल मन में
ये भक्ति भावना बनी रहे निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इतना नहीं राघवेंद्र भैया को तुम निज अंग मान कर इनको प्रेम करते रहना। हे लक्ष्मण तुम भी बंधु प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। क्यों? क्योंकि राम जी हैं झंडा तो लक्ष्मण जी हैं डंडा, है ना। झंडा है और डंडा है, लेकिन झंडा डंडा होने के बाद चलने वाला कोई पंडा नहीं है। झंडा ऊंचा कहे हमारा कहने वाला कोई बंदा नहीं है तो क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? और इस झंडे को हमारे बाबा विश्वामित्र जी ने उठाया और इतनी दूर तक ले गए कि शास्त्र को कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? मुनि तिय तरी लगत पग धूरी। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी। हो निडर अरिते सदा तुम्हें समर न जीते कोय चिरंजीव जुग जुग जियहु कीर्ति लतांबर होय। अश्वान भव ले जाइए बाबा बालकों को ले जाइए। तीन आशीष देखी भर जोटा। और देवी स्वरूपा आदि अम्बा स्वरूपा हमारी बिटिया मोहिनी, आपकी ओर से श्री परशुराम जी और व्यास स्थान में आपने 50 मुद्राएं भेंट किया है, एवं भैया श्री राम शब्द भैया आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में भेंट हैं। राम शब्द भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आदिशक्ति कन्या से आशीर्वाद की कामना। और इसी क्रम पर आप हैं जय श्री ब्रह्मदेव बाबा यज्ञ समिति रूरा तिघाई कानपुर देहात से आप पुत्र प्रांजुल तिवारी जी जो कि आप बीरू तिवारी जी के सुपुत्र हैं, आप वर्तमान में कानपुर से ही लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने भगवान परशुराम जी के चोड़ों में 21 पुष्प सुमन अर्पित किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद। बहुरी बिलो की विदे सने कहाहू कहाहू अति भीरे पहुंचते जाना अजान जिम व्यप्यु कोप शरीर। आज मैं देख रहा हूं तेरे यहां बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहां भीड़ तो होती थी लेकिन ऋषियों की मुनियों की ब्राह्मणों की विद्वानों की संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूं यहां महिपालों की भीड़ है। ईश्वर चमचमाती हुई तलवारें ईश्वर जगमगाते मुकुट बांधे महिपाल अपने अपने मंच पर बैठे हैं। उत्तम मंच पर महामहिम विश्वामित्र जी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। जम्बू प्रक्ष सालमली कुश पौंच शाक पुष्कर सातों द्वीपों के महिपाल उपस्थित हैं। इन महिपालों के आने का क्या कारण? समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। दो इन महिपालों का आने का कारण केवल मात्र एक ही कारण है। कौन सा कारण है? और वो कारण है मेरी पुत्री सीता देवता। कि सीता ने उठा लिया जुगो। तो तूने क्या किया?
उसको लख धीरज मम छूट गया बस उसी समय यह प्रण कर डाला तुम सपन प्रण पूर्ण तुम्हें अज को टूट सोनत बचन फिर अनत निहार देखे चाप खंड मही डरे माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक शस्त्रागारों के मुकुट शुभों के रक्षक अश्वों के दंडक पारिजात पुष्पल्लव तुम्हारा पराभव कारी विक्षोभ महान शोक महान जब मानवता के ऊपर संकट आया था और हमारे आदरणीय श्री ताऊ जी आपकी ओर से दस मुद्राएं श्री परशुराम जी दस मुद्राएं श्री जनक जी दस मुद्राएं भाई व्यास जी और दस मुद्राएं तबला पर भाई दुबे जी और दस मुद्राएं साउंड सर्विस सिस्टम के लिए आपने भेंट किया है ताऊ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता की रक्षा के लिए तूने अपनी जीवित हड्डियों का दान कर दिया था। कोई आपसे आपकी जीवित हड्डी मांगे तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो दे देगा? नहीं दे सकता बंधुओं। लेकिन अधीज ने इस संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का दान कर दिया। जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष का अर्चन बंधन होता रहा हो, आज तुमने उसी को तुलवा कर फेंकवा दिया। देखे चाप खंड में हिटा दे, इस धनुष को तुलवा कर फेंकवा कर तुमने हमारा अपमान नहीं किया, सुधनुष का अपमान नहीं किया, तुमने तो हमारी अतिरिषि बोले वचन कठोरा कहू जड़ जनक धनुष कहे तो अरे बोल मुंह खोल कहू जड़ जनक धनुष कहे तो रा आए देश देश के नवेश को कोने हेतु किखे निकेत ये के धोक तोड़ा है काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही को कोने जूझ जोड़ा है गोरा है कि सौरा पता दे मोहि बैजनाथ ये जो ताके कंठ काटवे को ये कुठारत घोड़ा है ये कुठारत घोड़ा है ये कुठार अति घोड़ा है हे गी देखाबो मोड़ न दिया जू उलटूं मही जहां नहीं तब धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र मेरे सामने उपस्थित करो सीरत ध्वज नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा उल्टा हूं मही वहां तक की धरती पलट दूंगा अति डर उतर ते तृप नाही कुटल भोप हर से मन माही सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीड़ हृदय न हरष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर अहो मेरी आराध्या हे करुणा करुणागर हे देवता श्री शंकर जी के आयुध का खंडन करने वाला कोई और नहीं आपका एक दास है भगवान तोड़ा जिसने धनुवा ये शिवा वो दास है आपका वो दास है आपका नाथ संबधनु बजनहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा
प्यार किया वह दास आपका ही होगा, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। और चाहता यह हूँ भगवान आया सुखा कई यकीन मोही बारी बारी बिन वामुन तो ही हमारे लिए क्या क्या है। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम लाला तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा हमारे क्रोध को शांत कर दोगे राम, तो ये तुम्हारा सोचना नितांत व्यर्थ है। क्योंकि जब मैं राम जी के कहे हुए वचनों पर विचार करता हूँ तो राम जी का कहना है धनुष तोड़ने वाला हुई है को एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला एक है और आपका दास है। लेकिन जब मैं शास्त्रों पर विचार करता हूँ तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है जीव अनेक है, ब्रह्म स्वाधीन है लेकिन ये जगत पराधीन है। राघवेंद्र जो आपके दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार से कुछ जो कर आरी करनी करी करी राघवेंद्र यहाँ सेवकाई का अर्थ चरणों की सेवा से नहीं है राम, क्योंकि हमारे चरणों में कभी थकावट उत्पन्न नहीं हुई। जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और उसके प्रतिंचा को चढ़ावे, अगर यह सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो सुनहु राम यही शिव धनु तोरा साहस बाहु समसोरी पुमो। राघवेंद्र महामृत्युंजय आस्तोष भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला मेरा साधारण अपराधी नहीं है, सहस्त्र बाहु कार्य भी संभव वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान अपराधी है। सो बिन गाऊ या सो बिन गयाऊ अकह सवर्णे दीर्घा का प्रयोग बिहाई समाज नत मारे जई हैं सब राजा। राघवेंद्र धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए, नहीं तो जितने राजा बैठे हैं। प्रसन्नता एक बात की ये है कि यहाँ पर सत्संगी है, क्योंकि कई जगह देखो कि पेटू राजा के बाद झरिया के चल देते, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का विशुद्ध स्थान है और ऐसे स्थानों में अगर जन समूह ना हो तो महाराज फिर सब व्यर्थ है। ऐसे स्थानों को जब देखा जाता है कहीं ना कहीं व्यास जी लगता है कि हमारा सनातन धर्म पतन की ओर जा रहा है जो, लेकिन जब मैं इस दिव्य स्थान पर देखता हूँ, तृतीय साल है व्यास जी मेरा, तीसवीं साल में हनुमान जी ने सेवा में बुलाया है और इस स्थान में जो वास्तविक आनंद मिलता है वो हम वाणी से नहीं, क्योंकि आनंद को अनुभव किया जा सकता है लेकिन वाणी से बताया नहीं जा सकता। ये हनुमान जी की यथार्थ कृपा है, आप हृदय से मानिए तो आपको वो सब मिलेगा जो आप हनुमान जी से मांगेंगे। इससे राघवेंद्र नत मारे जी है सब राजा, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक और जहां से लेकर तहां तक नत मारे जी है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे राघवेंद्र, सभी राजा। घोषणा हो गई जो डरपोक राजा है वो भागने लगे, कुछ लुक गए, कुछ भागने की तैयारी में है जो डरपोक है, और जिनके अंदर हिम्मत है वो डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। बोला घोषणा हो गई मारे जाएंगे सब, चाहे जैसे हो चाहे जहां से आए हो, समस्या पैदा हो गई। देखिए समस्या का समय निश्चित नहीं है, समस्या रात में भी पैदा हो गई थी, यहाँ निदान हो गया और अभी कुछ शेष भी है, निदान शेष है और इसका निदान भी अभी शेष है। स्वामी जी महाराज उस समस्या का निदान अभी शेष है,
और इस समस्या का निदान भी विशेष है। समस्या थी धनुष नहीं टूटा था, धनुष टूटा समस्या का समाधान मिला, फिर समस्या पैदा हुई, हल्ला होने लगा, परशुराम जी आ गए, हल्ला शांत हो गया, समस्या का समाधान मिला, फिर समस्या हो गई, किसने तोड़ा बताएं, नहीं मारे जाएंगे सब, यह महाविकट समस्या है। सारे राजाओं की सिट्टी पिट्टी गुम, लेकिन बाल प्रतिभा की ओर देखा गया तो मंद मंद मुस्कान खेल रही है मुखकमल पर। अब जो मुस्कुराए वो जाने, हम क्या जाने, हमें लगा कि समस्या का समाधान उनके पास हो सकता है। यहीं से संवाद की धारा का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग धैर्यता से बैठे, बड़ा ही सुंदर आनंद आएगा। श्री मनीषानंद जी, श्री मोनो जी महाराज लक्ष्मण जी की सुंदर भूमिका में प्रस्तुत हैं। आप सुनेंगे प्रथम प्रस्तुति लक्ष्मण पक्ष से। क्या हुआ, क्या लक्ष्मण जी भैया, क्या है ये की समस्या है? और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान अखिलेश कुमार जी, जो कि ग्राम थतिया के पास होलेपुर निवासी हैं आप, और जिला कन्नौज पड़ता है आपका ये निवास। आप वर्तमान समय में इंडियन आर्मी की ड्यूटी पर कार्यरत हैं और फिरोजपुर पंजाब से आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से। आपने भगवान परशुराम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं ऑनलाइन सब प्रेम प्रेषित किए हैं भैया जी को। बहुत सोनी मोनी बचन लखन मुस्कानी बोले परसो धरही अपमाने। सोनी मोनी बचन संसार में देखा ये जाता है समस्याएं अनेकों प्रकार की आती हैं, और जब लोगों के पास में समस्याएं आती हैं तो लोग समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि हे भगवान, हमारे पास में समस्या उत्पन्न हो गई है और इस समस्या का समाधान हो तो कैसे हो। तो लोगों की समस्या का समाधान कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी ये देखा जाता है कि समस्या का समाधान हो भी नहीं पाता है। ये भी सब परमात्मा की इच्छा होती है। लेकिन जिस समय में मिथिला अंतर्गत देखता हूं तो मिथिला अंतर्गत भी समस्याएं आई, और मिथिला में समस्या आई तो कौन सी आई, मिथिला में सबसे पहले राजा जनक के पास में समस्या आई। और जब राजा जनक जी के पास में समस्या ये थी कि धनुष का खंडन नहीं हो रहा था, जब धनुष का खंडन नहीं हो रहा था तो राजा जनक जी के पास में समस्या थी। अब राजा जनक जी की समस्या का समाधान हुआ, जो ही राजा जनक जी की समस्या का समाधान हुआ धनुष का खंडन हो गया तो दूसरी समस्या फिर उत्पन्न हो गई। पहले भी समस्या थी मिथिला में, टूटने के पहले समस्या थी और टूटने के बाद में भी समस्या। टूटने के पहले समस्या यह थी कि जानकी जी का पाणी ज्ञान संस्कार नहीं हो पा रहा था। राजा जनक जी अकुला गए थे, बोले बचन रोष जन साने। और जो ही राजा जनक जी की समस्या का समाधान हुआ तो महात्मा परशुराम जी के पास में समस्या आ गई। महात्मा परशुराम जी की समस्या क्या है? महात्मा परशुराम जी की समस्या ये है, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कठोर वचन बोल रहे हैं। और ये कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि धनुष का खंडन हो गया है। अतरिस बोले वचन कठोरा, अकहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। ये समस्या है महात्मा परशुराम जी के सामने। तो इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे भैया राम आए इनके सामने, और हमारे भैया राम ने इनकी समस्या को समाधान करने के लिए अपने कुछ मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए महात्मा जी के सामने स्पष्ट किया कि नाद संभ धनु भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शंकर का धनुष का खंडन करने वाला आपके चरणों का ही कोई एक दास होगा। अब देखिए समस्या का समाधान ही है, लेकिन अब समस्या का समाधान तो है,
लेकिन महात्मा परशुराम जी उस समस्या का समाधान के प्रति उत्तर क्या दे रहे हैं? उस समस्या के समाधान के प्रति महात्मा परशुराम जी का उत्तर है कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, करे सेवक वो है जो आकर के मेरी सेवकाई करे, अन्यथा फिर मुझसे आकर के लड़ाई करे। महात्मा परशुराम जी ने समस्या का समाधान करने के लिए दो भाव प्रस्तुत किए, एक भाव प्रस्तुत किया सेवकाई का और दूसरा भाव प्रस्तुत किया लड़ाई का। देखिए धनुष तोड़ने वाला लड़ाई तो कर नहीं सकता है, लड़ाई क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों के चरणों का सेवक है, वो ब्राह्मणों से कभी जीवन में लड़ाई नहीं करेगा कभी भी। अगर ब्राह्मण सामने ललकारे भी तब भी धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरा भाव है सेवकाई का, तो मैंने तो ये जाना है सेवकाई के संबंध में कि सेवक का जो धर्म होता है वो सेवक का धर्म संसार में सबसे कठोर माना गया है। बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े अपना धर्म बनाए घूम रहे हैं, कोई कहता है हमारा ये धर्म है, कोई कहता है हमारा ये धर्म है, लेकिन जिस समय सेवकों से पूछा गया कि सेवक का धर्म कैसा है तो सेवक के धर्म के विषय में बताया गया, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे कठोर धर्म है तो केवल सेवक का धर्म कठोर बताया गया है। एक सिद्धांत और कहता है सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य, सेवा से बढ़कर के धर्म कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि करे स्वाम हित सेवक सोई दूसन कोट दे किन कोई। सेवक का धर्म पूछा गया कि सेवक का धर्म कैसा होना चाहिए, तो करे स्वाम हित जो अपने स्वामी के हित में कार्य करे, स्वामी से लड़ाई ना करे। सेवक का यह कर्तव्य नहीं कि स्वामी से लड़ाई करे, जो स्वामी के हित में कार्य करे। और धनुष तोड़ने वाला भी अपने स्वामी के हित में ही कार्य कर रहा है। दूसरी घोषणा इनकी हुई कि सुनहु राम जय सिउधन तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा, करे धनुष तोड़ने वाला सहस्ता बाहु के समान शत्रु है, और अगर वो शत्रु ना मिला तो कह रहे सो बिलगाऊ बिहाय समाजा नत मारे जिन्हें सब राजा। देखिए समस्या उत्पन्न हुई लेकिन समस्या के ऊपर समस्या महात्मा परशुराम जी ने लगा दिया। समस्या के ऊपर समस्या महात्मा परशुराम जी ने कौन सी लगाई? कह रहे हैं कि जितने भी राजा बैठे हुए हैं सभी राजा मार दिए जाएंगे। राजा बहुत बैठे हैं वास्तव में, देखिए ये जितने हैं ये सब राजा ही बैठे हुए हैं। कोई राजा उभार रहा है, कोई राजा बिल्कुल सचेत अवस्था में बैठा है, कोई सावधान नहीं है। तो जो राजा सावधान नहीं है वो सावधान होकर के बैठ जाए, क्योंकि महात्मा परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा है। तोड़ने वाला एक है लेकिन घोषणा है कि नत मारे जिन्हें सब राजा, तो ये जो आपके द्वारा न्याय निकाला जा रहा है ये न्याय पंडित जी आपके द्वारा उचित होगा कि अनुचित होगा? आप क्रोध कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले के प्रति, आप क्रोध का प्रयोग न करें। धनुष तोड़ने वाले के प्रति आप प्रयोग करें तो किसका प्रयोग करें? धनुष तोड़ने वाले के प्रति आप बोध का प्रयोग करें, क्योंकि आपके जो गुरुदेव वो भी बोधवान हैं। बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, और अगर टूटने पर क्रोध है तो बौधन ही तोरी लड़काई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत तोड़ी थी, बहुत तोड़ी है, एक नहीं बहुत बहुत, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। आज तो एक ना टूटा है। बाल्यावस्था में सरयू किनारे खेला करते थे और खेल खेल में धनुष बनाते थे और तोड़ दिया करते थे, तो बहुत तोड़ी। तब आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया, तो यही धन पर ममता के हेतु आपकी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? मैंने तो जाना है कि योगी वो होते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीष्म काल में नदियों और तालाबों का पानी सूख जाता है, जैसे ग्रीष्म काल आता है तो ग्रीष्म काल में जितने भी नदियों सरोवरों में जल भरा होता है तो सूख जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानी की जीवन की सारी ममता समाप्त हो जाती है।
और आपके अंदर यदि ममता है तो यही धन पर ममता कई हेतु, आपके धनुष पर इतनी ममता क्यों है, अकारण है कि सकारण है, लक्ष्मण को बतला कर कृतार्थ करें। बेटा हम पहले समझ गए थे तुम कितने भले आदमी, विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए, हमने बाबा से पहले कह दिया था ये गोरा छोरा कुछ ठीक नहीं दिख रहा, बाबा ने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर देखा गया है और हमने आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद प्राप्त करके हम ही का ताल ठोक रहे। पहली बार किसी छत्री को आशीर्वाद दिया था और दिया तो धोखा खाए। शेष नाग अति विश्व भरे तौ न करत आतंक, पर बीछी थोड़े जहर मा फिरे उठाए। वही स्थिति राजकुमार की, इन्होंने कहा महाराज व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। डंडा लेके कहे आए हो बाबा? वो डंडा इसलिए लाए क्योंकि डंडा में झंडा लगाएंगे, हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाया जाता है। हमने सोचा और किसी कार्य के लिए लाए? नहीं, वो कार्य के लिए नहीं लाए, उसकी चिंता तुम ना करो, उसके लिए लाएंगे तो हम समझ लेंगे उनको भी, है ना। केखा समझ ले हो? केखा जो डंडा लाएगा, उसको समझेंगे बिल्कुल, डंडा को चलाने वाले को समझेंगे। जब लाएगा, जब डंडा होगा तब ही तो चलाएगा, नहीं डंडा नहीं है तो कहां से चलाएगा। डंडा लाने वाला अलग हो जाता है और डंडा को चलाने वाला अलग हो जाता है। बहु खुरा फाती है। विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अलग होते हैं। अच्छा, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले लोग अलग होते हैं और अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। तो इन दोनों में अगर किसी के द्वारा भी ऐसा कार्य किया गया तो उसमें दोष किसको आप देंगे? किसको देंगे? हाँ, बनाने वाले को कि चलाने वाले को? दो बातें, बनाने वाले को दोष देंगे कि चलाने वाले को? बनाने वाले का कार्य है बनाना। अच्छा, उसका धर्म है अस्त्र शस्त्र बनाना। क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म संसार में अलग होता है। पिता से पुत्र का धर्म अलग होता है, पत्नी से पति का धर्म अलग होता है, संसार में हर एक व्यक्ति का धर्म। तो जो अस्त्र शस्त्र बनाता है तो अस्त्र शस्त्र बनाना उसका धर्म है, क्योंकि उसी के द्वारा वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जैसे केवट ने कहा था, यही प्रतिपालो सब परिवार और नाथ न जानो। और केवट ने कहा था महाराज, इसी नाव के द्वारा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, और कोई कार्य मैं करता तो बनाने वाला अपराधी नहीं है बेटा। अगर अनित के लिए चलाया गया तो उस शस्त्र को चलाने वाला अपराधी है। कुछ शस्त्र ऐसे होते हैं बाबा, एक बात मैं आपको बता दूं। कुछ शस्त्र ऐसे होते हैं समाज में, जिन शस्त्रों का उपयोग करने से, या फिर यूं कह दूं, जिन शस्त्रों को बनाने में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और शासन प्रशासन यदि जान जाए कि इसके द्वारा अस्त्रों को शस्त्रों को बनाया जा रहा है, तो चलाने वाला तो बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन बनाने वाला पहले पकड़ा जाता है। ठीक, तो बनाने वाला भी दोषी होता है। जितना चलाने वाला दोषी होता है, उतना ही बनाने वाला भी दोषी होता है। दोनों बातें होती हैं। जैसे आपने दोषी दोनों को दिया यहाँ पर मिथिला में, जैसे कि आपने देखने वालों को भी दोष दिया और तोड़ने वाले को भी दोष दिया, क्योंकि आपने कहा था नट मारे जिन्हे सब राजा। तभी हमने कहा था कि इनमें दो में डंडा जैसे कोई बनावे तो इनमें बनाने वाले का दोष है कि चलाने वाले का दोष है, तो आपने एक को बताया। तो इसी प्रकार से आपको मिथिला अंतर्गत भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए था कि ये देखने वाले ना मारे जाते, केवल तोड़ने वाला पकड़ा जाता। इसका मतलब है कि आपके द्वारा गलती हुई, कान पकड़ो, उठो बैठो। चल कहीं का, हम कान पकड़े उठे बैठे हैं। कह रहे महाराज, धनुष बनाने वाला भी अपराधी होता है, शस्त्र बनाने वाला भी अपराधी होता है। कुछ शस्त्र होते हैं ऐसे, कुछ शस्त्र होते हैं। रावण ने पांच महाअस्त्र सिद्ध किए हैं, रावण ने पांच महाअस्त्र सिद्ध किए हैं, और विश्वामित्र जी भी यज्ञ कर रहे थे तो महाअस्त्र सिद्ध करने के लिए कर रहे थे। वहां रावण ने जो अपने गुप्तचर लगा रखे थे मारी सुबाहु, जैसे विश्वामित्र यज्ञ करे तो उनके यज्ञ को नष्ट कर दो। तभी देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख। रावण महाअस्त्र सिद्ध कर रहा था, उसको रोकना चाहिए था। चलो इसको छोड़ो। कह रहे महाराज, यहाँ के लोग
कवे महाराज मारे वो जाए जिसने अपराध किया, ये देखने वालों की क्या गलती है? ये बात बेटा कार्य देखने वाले की भी गलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं भद्रम कर्णे भी श्रणोयाम देवा, भद्रम पश्ये मा छबिर जजत्रा। संसार में अच्छा सुना जाए, अच्छा देखा जाए और अच्छा बोला जाए। अगर अपराधी ने अपराध कर दिया तो उस अपराधी के प्रति बताने वाला कभी अपराधी नहीं होता, और अपराधी को छुपाने वाला सबसे बड़ा अपराधी। हमने यहाँ के राजा जनक से पूछा था कहू जल जनक धनुष कही, तो राजा जनक ने उत्तर दिया, बताया कि धनुष किसने तोड़ा। अगर कार्य अनित का ना होता तो जो अनित के कार्य नहीं होते वो कभी छुपाए नहीं जाते, वो हमेशा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो उस व्यक्ति को छुपाया नहीं जाएगा, उस व्यक्ति को समाज में दिखाया। लेकिन जनक से मैंने पूछा था बताओ जनक धनुष किसने तोड़ा, तो राजा जनक ने बताया अतिदर उतर देत नृप। राजा जनक ने उत्तर नहीं दिया और कह रहे हैं महाराज देखो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कर्म कोई करता है और कर्म का फल कोई और व्यक्ति भोगता, और करे अपराध को और पाव फल भोग। संसार में अपराध कोई करता है लेकिन अपराध का फल कोई और व्यक्ति भोगता। जिस प्रकार एक व्यक्ति जा रहा था मार्ग में, उसने देखा आम का वृक्ष है, आंखों ने देखा तो मन में इच्छा हुई कि आम के फल को चखा जाए, आम खट्टे हैं कि मीठे हैं कि कड़वे हैं कि कसैले हैं। आंखों ने देखा मन ने चाहा लेकिन मन वहां तक जा नहीं सकता, तो चरणों के द्वारा वो आम के वृक्ष को के पास गया, वृक्ष में चढ़ गया। पैर वृक्ष में चढ़ तो सकते हैं लेकिन पैर कभी फल तोड़ा किसने? हाथों ने, हाथ ने फल को तोड़ा। हाथ फल तोड़ सकते हैं लेकिन खाएगा कौन? मुख ने खाया। अब वही माली बैठा था लीने लाठी, जब उसने देखा एक व्यक्ति आम तोड़ रहा है, लाठी उठाकर लाया, उसकी पीठ में एक लाठी जमा दी। अच्छा आम को देखा किसने था? नेत्रों ने। चाहा किसने? मन ने। पेड़ तक पहुंचा कौन? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुख ने। और लाठी किसके ऊपर पड़ी? अच्छा पीठ का क्या कोई दोष था क्या? ना पीठ ने देखा, ना पीठ ने खाया, ना पीठ ने चाहा। यही है बेटा अपराध, संसार में कोई करता है लेकिन अपराध का फल कोई संसार में और भोगता है। तुमने कहा समस्या कि महाराज यहां भी एक समस्या आई है, एक बात बता दें बेटा, संत जब जब करते हैं तब तक समस्या का समाधान करते हैं, संत कभी स्वयं समस्या नहीं बनते। तुम्हारे यहां समस्या आई थी, पुत्रों का जन्म नहीं हो रहा था, उस समस्या के समाधान के लिए एक संत के पास जाया गया, वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने समस्या का समाधान किया। एक बार समस्या और आई थी, क्या समस्या आई थी? महाराज विंध्य पर्वत अपने प्रभाव से सूर्य को ढक लेता था, तब सभी व्यक्ति पहुंचे महाराज अगस्त जी के पास। अगस्त जी से निवेदन किया, जो विंध्य पर्वत है वो अगस्त जी का शिष्य है। अगस्त जी उसके पास गए, उसने अगस्त जी को झुककर प्रणाम किया, न अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया न ये कहा कि उठाओ, तो आज भी वो झुका। और बेटा इस संसार में जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला था, तो औ कौनों का द्वार न दिखाई दिए। किसका द्वार दिखा? हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर का है? जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सब देवता भागते भागते भगवान शंकर के पास गए, और तथा करतली कृत्य व्याप्त हाला हलम विषम, उस विष को भगवान शंकर ने समाज की रक्षा के लिए बेटा स्वयं पान कर लिया। तो भोलेनाथ ने बहुत बड़ा कार्य किया, और विचार कीजिए
तुमने कहा ए धनु पर ममता बेटा ममता नहीं है, इससे पहले तुमने दास की बात की, क्योंकि संसार में कह रहे हैं सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है, सबसे सेवक धर्म कठोर। अच्छा सेवक का धर्म कठोर क्यों होता है, बात यहां आएगी। अगर सेवक का धर्म कठोर होता है तो सेवक का धर्म क्यों कठोर होता है, क्योंकि सेवक कभी सुख की कामना नहीं करता। अगर सेवक अपने जीवन में सुख चाहे तो वो फिर सेवक बन नहीं सकता, क्योंकि सेवक सुख चाह मान भिखारी और व्यसनी धन सुभगति व्यविचारी। सेवक के जीवन में संघर्ष होता है, सेवक के जीवन में जब संघर्ष होता है तो सेवक को जो फल मिलता है वो भी सर्वो उच्चिष्ट फल मिलता है बेटा। सेवक तुमने कहा कि सेवक कैसा होना चाहिए, करे स्वाम हित सेवक सोई। सेवक का कर्तव्य ये है कि सेवा से अपने स्वामी का हित करे, अपने स्वामी का भला करे। तुमने राम जी को स्वामी माना, उनकी सेवा किया, लेकिन राम जी के लिए भले के लिए नहीं किया, अपने भले के लिए किया। समस्या तो यही है, इन्होंने भैया राम जी की सेवा किया तो बारह ही ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रती। बारह ही थे बचपन से इन्होंने राम जी की सेवा किया तो निज हित, निज माने अपना, हित माने भला। इन्होंने राम जी की सेवा किया तो राम जी के भले के लिए नहीं किया, अपने भले के लिए किया। और जो सेवक अपने भले के लिए सेवा करे बेटा श्रेष्ठ नहीं होता है? ममता ममता नहीं है बेटा। इसलिए रेन बालक कालवश बोलत तो इन समार धनु ही समि धनु विदित सकल संसार। चलिए आइए इनके वार्तालाप को वक्तव्य को, मैंने भली भात सुना और भली भात सुनने के बाद में बहुत ही परखा परखने जांचने के बाद में एक निर्णय ये निकल करके आया कि महात्मा परशुराम जी जो भी कहना चाह रहे हैं वो कहना तो चाह रहे हैं लेकिन उसको अपने ढंग से कह नहीं पा रहे हैं। राम जी महाराज की जय। हाँ ये हमारे बनवारी लाल भैया बजरंगापुर ग्राम के निवासी हैं, जिनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी एवं भार्गव जी के चरणों में समर्पित हैं तथा 100 पुष्प मुद्राएं ठाकुर जी के लीला के सहयोग के लिए हैं। भक्तों को यही सहयोग बना रहा है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद श्री सीताराम जी महाराज। चलिए कहते हैं रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धन ही धन त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। कह रहे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, अब थोड़ा विचार ये करना है कि लक्ष्मण क्या। हाँ ये सीताराम भैया बजरंगापुर जो युगल सरकार के चरणों में 11 पुष्प मुद्रा प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, भगवान उनका भंडार भरे श्री सीताराम जी महाराज। यही नाम का जाप यही नाम का उच्चारण हमेशा जीवन में करो जो स्वामी जी करवा रहे हैं। हमको ये लगता है ये नाम का जाप यदि आपके जीवन में भी उतर आवे तो आपका भी कल्याण हो जाए, लेकिन अभी उसको जांचने परखने की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक उसको जानेंगे पहले पहले उसको समझेंगे। चलिए धरातल हमारा आपका था, आपने कहा रेनब बालक काल बस बोलत तो ही न संहार धनु ही धन त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। करे राजा के लड़के हमें थोड़ा थोड़ा एक एक शब्दों पर विचार कीजिए सब लोग, क्योंकि बहुत ही शुद्ध समाज बैठी हुई है और बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत ही जानकार, क्योंकि ये मिथिला नगरी है। अब मिथिला नगरी के संबंध में बताया गया है पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण वंता। यहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञानी है, तो जितनी समाज है मिथिला की ये सब ज्ञानी जन बैठे हुए हैं, ज्ञानी जन की समाज में विद्वानों की समाज में महात्मा परशुराम जी के द्वारा लक्ष्मण को कहा जा रहा है कि राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है। आपने जो रे शब्द का प्रयोग किया तो रे शब्द का प्रयोग करने से मुझे अनुचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ये रे शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से रे शब्द भो शब्द ये संबोधन शब्द है,
संबोधन शब्द, तो अपने से छोटों के लिए रे शब्द भो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से संबोधन शब्द है। तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा अगर हमें रे कहा जा रहा है तो हम इनसे छोटे हैं, हम बालक हैं, तो हमको अनुचित नहीं लग रहा कि चलो इन्होंने रे कह दिया कह दिया। लेकिन रे के बाद में जो इन्होंने कह दिया है वो प्राण घातक शब्दकों का प्रयोग किया है। रे के बाद इन्होंने कहा है रे न बालक काल बस, बस यहीं पर प्राण घातक शब्द प्रयोग है, काल बस ब्याज जी कितना अनुचित है बोल गए हैं, कह रहे काल बस। लक्ष्मण क्यों कह रहे हैं कि तू काल के वशीभूत हो गया है? अरे राम राम राम, कैसी तुम्हारी बुद्धि हो गई है पंडित जी, लक्ष्मण क्या काल के वशीभूत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए संसार में जो आया है, संसार में यदि कोई आया है तो उसको एक ना एक दिन अवश्य रूप से जाना होगा। ये बात तो बिल्कुल अटल है, सत्य है कि जो जन्मय सो निश्चय नाशय, अजो नाशय सो पुनः प्रकाशय। जिसकी जन्म है उसका ही मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। लेकिन संसार में अगर जब तक किसी के काल आ नहीं जाएगा, जब तक संसार में उसका समय समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो इस वसुंधरा से जाने वाला नहीं है। और अगर किसी का समय पूर्ण हो गया है तो फिर कोई भी माई का लाल उसको रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब समय का चक्र होता है। जितना भी ये सब समय का चक्र है, समय समय पर होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय में दिन बड़ा तो किसी समय की रात, सब समय का चक्र है। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तू काल के वशीभूत, लक्ष्मण इसलिए काल के वशीभूत नहीं हो सकता है क्योंकि लक्ष्मण जिनके साथ में रहता है, लक्ष्मण जिनके साथ में रहता है वो कालों के भी काल है। अच्छा कालों के काल कौन है? महाकाल है, वो कौन? महाकाल है। अच्छा महाकाल नहीं भी कौन है? महाकाल है। इधर देखो तुमका का दिया, तुम देख तुमका हम का बतावन के बता दो अब का वही का है तुम हम तुमका ना देखा बाबू। हाँ देखिए तुम ना देख, इस सुंदर संवाद से प्रभावित होकर हमारे श्री बड़गू मौर्य जी जिनकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा लीला के सहयोग के लिए 20-20 पुष्प मुद्राएं युगल सरकार के चरणों में श्री भार्गव जी लखनलाल जी ऐसा कब तुम आंखी बंद कर लियो। ये 51 पुष्प मुद्रा से हमारे गुरशरण भैया नानू भैया जो कि लगातार सेवा भी लाइट की करते हैं और लखनलाल जी और श्री भार्गव जी के श्री चरणों में समर्पित है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। क्या करें, देखना पड़ेगा हमें आपको, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण बहुत पूजनीय है हमारे, इसलिए आए आपको देख रहे हैं। पूजा नहीं, कर रहे नहीं तो हम आप इच्छा नहीं होती है तुमका देखे का, हृदय से बात बता रहे हैं, क्योंकि आप धनुष तोड़ने वाले के विरोधी बने हैं इसलिए। चलिए जो काल की बात हो रही थी, काल की आपने कहा कालों के काल कौन, तो मैंने कहा कालों के काल कौन, तो आपने कहा कालों के काल महाकाल, वही है, वही है केवल। और क्या? उज्जैनम महाकाल, उज्जैनम महाकाल, और क्या? देखिए कालों के भी काल केवल महाकाल नहीं है, फिर कालों के काल कौन है संसार में? महाकाल है केवल। अरे वो महाकाल जिस काल के साथ में लक्ष्मण रहता है ना, उस काल के सामने वो महाकाल भी नाक रगड़ते हैं। कैसे? तो सुनो कैसे। जिस काल के साथ में लक्ष्मण रहता है ठीक, उस काल के सामने वो महाकाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। और वो काल कौन है? कौन है? तात राम नहीं नर भूपाला, अब भुवनेश्वर काल कर काला, कालों कर काला, जो कालों की भी काल है उन काल के साथ में रहने वाला लक्ष्मण है। तो इतनी जल्दी लक्ष्मण को भी काल ग्रसित करने वाला नहीं है। अब ये आपका मुख है, चाहे जो कुछ कहते रहो, तो कह देने से थोड़ा ना हो जाएगा कि नहीं लक्ष्मण काल के वशीभूत हो जाएगा। कौशलेश सुत दशरथ रामा अकाल जीत सकहिं संग ग्रामा, कालव जीत सके संग्राम। तो इतनी जल्दी अभी मिथिला अंतर्गत लक्ष्मण को काल ग्रसित करने वाला नहीं है। एक बात समस्या की मैंने कही थी, मैंने कहा था कि समस्या महात्मा परशुराम जी के सामने है, तो महात्मा परशुराम जी ने कहा कि समस्या होती है, बिल्कुल समस्या होती है, तो महात्मा जी ने समस्या हमारे यहां से भी जोड़ दिया।
इन्होंने हमारे यहाँ से समस्या ये जोड़ी कि लक्ष्मण यदि हमारे पास में समस्या है तो एक बार समस्या तुम्हारे पिताजी के पास में भी थी। तो जब पिताजी के पास में समस्या थी तो पिताजी की समस्या का समाधान किसने किया? पिताजी की समस्या का समाधान ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। अब पिताजी के पास में समस्या क्या थी ब्याज जी? तो थोड़ा रस का प्रयोग करते, रस बनाते, थोड़ा थोड़ा बैठ जाइए आप, रस बनाते। पिताजी के पास में समस्या ये थी कि हमारे पिताजी के एक भी संतान नहीं थी, पुत्र नहीं हो रहा था। और जब पुत्र नहीं हो रहा था तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, अब भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक भी जब पुत्र नहीं हो रहा था तो कहां गए? हमारे पिताजी गए गुरुदेव महामुनि विश्व, हाँ महामुनि वशिष्ठ जी के पास में। और जिस समय महामुनि वशिष्ठ जी के पास में गए और महामुनि वशिष्ठ जी के सामने अपना सुख और दुख दोनों बताया, सुख भी बताया और दुख भी बताया, तो हमारे गुरुदेव ने कहा था, क्या कहा था? कि धरा भूथीरो होई है सुतचारी, धरा धीर हुई है सुतचारी। एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, तीन पुत्र नहीं, चार चार पुत्र होंगे। तो समस्या का समाधान कहने का तात्पर्य यह था इनके महात्मा परशुराम जी का कि लक्ष्मण तुम्हारे यहां समस्या हुई तो समस्या का समाधान हम ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। चलो ये बात सत्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भाला वालों के द्वारा काम नहीं बनता है तो भाला वालों का काम माला वाले बनाते हैं। अच्छा, भाला और माला तुम हो, हम माला वाले, हम माला वाले हैं और हम है भाला वाले। तुम अपन भाला दिखाओ, कहाँ है भाला तुम्हारा? लेकिन वही भाला लेने फिर रहे हो। ये सुंदर संवाद में प्रसन्न हो के हमारे इसी गांव के लंबरदार श्री अर्जुन भैया जी, जिनकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा श्री लखनलाल जी एवं श्री भार्गव जी के चरणों में समर्पित है एवं एक से एक पुष्प मुद्रा ठाकुर जी की लीला के सहयोग में समर्पित। देखिए भाला का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीताराम जी, भाला का प्रयोग शत्रुओं के ऊपर किया जाता है। भाला की बात आई तो लंबरदार आ गए। एक बात बताओ ना आपका, बताओ, बता दें स्वामी जी इनका। स्वामी जी से कह पूछ रहे हो? स्वामी जी से इसलिए पूछ रहे हैं कि हम बताओ अब जितना ये चक्रव्यूह रचा यही स्वामी जी आए, यही लोग रचाए, यानी धनुष तोड़वाने में इनका भी हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है स्वामी वहाँ तुम्हारों का, सबसे बड़ा हाथ है। जितने सदुआ भाई थे यही लोगन का हाथ है, साधु बाबा महात्माओं का हाथ है। दो ही महात्मा नहीं, बहु महात्मा है। हाँ, ये सब महात्माओं का चक्र रखा हुआ है मिथिला में, इन्हें हाथ तो न टूटत। और मैं जोड़ करके बता रहा हूँ आपके, बहुत ही तार्किक संवाद चल रहा है दोनों महान विभूतियों के द्वारा। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान अंकित कुमार प्रजापत जी, जो कि आप रामलीला कमेटी पढ़नी इब्राहिमपुर के आप व्यवस्थापक हैं और अपने ग्राम पढ़नी इब्राहिमपुर से ही धर्म पाठशाला के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने दोनों महान विभूतियों के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। हाँ देखिए, इसी क्रम में इसी ग्राम के श्री पांडे जी भैया जी, हमारे पांडे जी, हमारे गांव में पांडे ब्राह्मण एक ही है, अब आप लोग जान जाइए, जो सदैव लीला का सहयोग करते हैं, जिनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं आप श्री के चरणों में एवं 111 पुष्प मुद्राएं ठाकुर जी की सेवा में, या जो भी 50 जो भी होगा आपको दिया, दिया कि नहीं दिया, मिला भी ठीक। और ये 100 रुपए शिववरण कुशवाहा की तरफ से भगवान की लीला में सहयोग के लिए प्रदान हुआ, श्री सीताराम जी महाराज की। चलिए, भाला और माला की चर्चा चल रही थी, आपने कहा कहाँ है भाला? देखिए भाला का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाला का प्रयोग कहाँ करते हैं? भाला का प्रयोग ब्राह्मणों के ऊपर नहीं करते हैं, भाला का प्रयोग करते हैं शत्रुओं के ऊपर, भाला का प्रयोग करते हैं दुष्टों के ऊपर। ना आप हमारे शत्रु हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये मानो कि आप हमारे शत्रु हैं। भाला और माला, जब भाला वालों के ऊपर समस्या आई तो भाला वालों की समस्या का समाधान माला वालों के द्वारा किया गया, किया गया। और एक समय वो आया था, कौन सा समय आया था? वो समय आया था कि जिस समय
माला वालों के ऊपर समस्या आई तो भाला वालों, अच्छा हम माला वालों के ऊपर समस्या आई, माला वालों के ऊपर समस्या, भाला वालों के ऊपर समस्या। जब भाला वालों की समस्या का समाधान माला वालों ने किया, जब माला वालों की समस्या आई तो हम भाला वालों ने किया। अब भाला वालों ने कैसे सुना तो सुनो, कैसे किया, किया तो कैसे किया, कैसे किया बेटा। भैया प्याज जी बोले, यहाँ भाला वालों के राजकुमार और माला वाले दोनों हैं। भाला वाले वंश के श्री लक्ष्मण जी, और माला वाले एक दो तीन। व्यास जी महाराज की जय, आपका इशारा से माला वाले तीन और भाला वाले एक, एक नहीं दो। अच्छा, और अभी एक और हैं माला वाले जो इनके साथ हैं, इनको लेकर के आए हैं। बस अब बताओ गड़बड़ी कहाँ हुई रही है, गड़बड़ी कहाँ हुई रही है। तो माला वालों की ओर से हमारे परम श्रद्धे पूज्य संत शिरोमणि श्री महाराज जी की ओर से 21 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी, 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और 21 मुद्राएं व्यास मंच में हमारे लिए भी आपने प्रदान किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जब माला वालों के ऊपर संकट आया व्यास जी, एक समय ऐसा आया कि भाला वालों, माला वालों ने भाला वालों का काम बनाया और चार चार पुत्रों का जन्म हुआ अयोध्या में। एक समय संकट की घड़ी वो आई कि माला वालों के ऊपर समस्या हो गई। और जब माला वालों के ऊपर समस्या हो गई तो क्या हुआ, माला वालों के ऊपर भी समस्या आई थी व्यास जी एक बार। जब माला वालों क्या समस्या आई तो अयोध्या में गए, अयोध्या में जाकर के मांगा भाला वालों, भाला वालों को मांगा माला वालों ने कि भाला वालों को दे दो तो हमारा जो संकट है, हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। अब माला वालों ने कैसे मांगा व्यास जी, मांगा कैसे। महाराज जी सुनो, सुनो, सुने का पड़ी। अब हम माला वाले ना भागे बार बार, सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा, क्योंकि सब चक्कर लंबरदारों का है। लंबरदार ने तोड़ा है, अमाला वालों ने तुड़वाया है। लंबरदार मिथिला में जो सबसे बड़ा लंबरदार की पहचान कर लियो, मिथिला में जो सबसे बड़ा लंबरदार बैठा है वही तोड़ी से तुड़वाया ना, तोड़ा है। अब मिथिला में जो सबसे बड़े माला वाले है उन्होंने तोड़वाया है, बढ़िया चुना है। जो माला वाले बैठे मिथिला में सबसे बड़े उन्होंने तोड़ा है, और जो सबसे बड़े लंबरदार है उन्होंने तोड़ा है। अब देखो माला वाले के ऊपर जब समस्या आई तो भाला वालों ने दूर किया। कैसे दूर किया, अयोध्या में मांगने के लिए जाए। तो जब रुक जाओ थोड़ा सा, आनंद लेते जाइए थोड़ा सा, उसके बाद में बोलिएगा। तो जब माला वाले के ऊपर समस्या आई तो अयोध्या में गए, अयोध्या में जाकर के क्या कहा कि अनुज समेत महामुनि विश्वामित्र जी के पास में समस्या आई। अब महामुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ को निशाचर नहीं होने देते थे, और जब निशाचर नहीं होने देते थे तो अयोध्या में भाला वालों के पास में अपना काम बनाने के लिए गए। जब काम बनाने के लिए गए तो मांगा, क्या मांगा, क्या मांगा, मांगा तो दिया भी तो हमारे श्री त्रिवेदी जी महाराज ताऊ जी जो सिमौरा निवासी हैं, आपकी ओर से ये 501 मुद्राओं का सहयोग श्री हनुमान जी की चरण सेवा में श्री महाराज जी को प्रदान किया गया, और ये 11 मुद्राएं युगल महत्पुरुषों के श्री चरणों में भेंट किया है। त्रिवेदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं महाजनों इन गता से बनता, तिवारी जी को जरूर धर्म में आगे आना चाहिए, श्रेष्ठ लोग हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो अनुज समेत मांगा, और मांगा तो कैसे मांगा, अनुज समेत देहू रघुनाथा, अनुज समेत देहू रघुनाथा, तो निश्चर बधो मैं हो सनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊं तो हम भी आपके ही कार्य के लिए बने हुए बाबा। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तोड़ने वाले का छोड़ो पीछे। हाँ, देखो पूरक है वो, तोड़ने वाले को छोड़ो। हाँ छोड़ दो, कहे छोड़ दे,
नहीं, पूरी लड़ाई धनुष तोड़ने वाले के बीच में है, धनुष टूटा है, यही लड़ाई है, यही लड़ाई है। और कह रहे धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दो। तो आपने कहा था कि अपराध करने वाला भी अपराधी होता है, अपराध को देखने वाला भी अपराधी होता है, तो सबसे बड़ा अपराधी होता है अपराध को कराने वाला। तो अगर धनुष का टूटना आप अपराध मान रहे तो देखो भी किसने तोड़वाया है, बताया नहीं, किसने तोड़ा है बताया दे रहे स्पष्ट, किसने तोड़वाया है। इसी क्रम में बिल्कुल आगे देखिए भगत जी, हमारे इंद्रपाल भगत जी बिचारे जो 51 पुष्प मुद्रा प्रति वर्षों के बाद बहुत दिन से करते चले आ रहे हैं, उनको भगवान बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। माला वालों ने आदेश दिया कि उठाओ अमुखो, ये उठाओ अमुखो, आदेश मिला उठाओ अमुखो भंजवो भव चापा, उठाओ अमुखो भंजवो भव चापा, मैं तो जनको परितापा। उठो, उठ करके धनुष का खंडन करो और राजा जनक के संताप को दूर करो। तो इसका मतलब है सबसे बड़े अपराधी साधु महात्मा भी हो गए। अगर साधु महात्मा अपराधी हैं तो वो भी लपेटे में लिए जाते हैं। अब तुम्हारे आपस में नहीं बन रही, हमसे पहले ये है, हमसे पहले ये है। अच्छा, आपसे पहले, हमसे पहले, इनसे पहले वो है, आपस में समझ लो, इनसे पहले वो है, उनके बाद ये है, बाद में हम है जो बचे। अब आपस में समझाओ, हमारे बाद आप है ये भी तो समझाओ, आपस में समझ लियो ना भाई। आपने कहा भैया श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय हो, मोर दास कहाई नासा, करो सुका मोह विश्वासा, जा शेष नाग जी वहाँ किस कब है, ओ लखन लाल की। अब आप आओ लड़ाई बढ़वा रहे हो, बोलिए परशुराम जी महाराज की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए श्री राम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, ये आनंद है। हाँ देखिए आनंद के इसी क्रम में हमारे मिस्त्री साहब सूरत दीन जी प्रत्येक वर्षों की बात इस वर्ष भी 200 स्थान के लिए और 20 उस मुद्रा आप मंडल के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, और 111 मुद्रा जो है मैं सहयोग के लिए हमारे आल्हा वाले यादव जी, राम सर, राम सागर यादव जी आल्हा वाले, और 20-20 मुद्रा आप लोगों के। ब्याज जी माला वाले आ गए और आल्हा वाले भी आ गए, हम तो सब कुछ काम बनने वाला, ये सब खेल भाला वालों का है ना। इन्होंने कहा कि महाराज अपराध संत ने करवाया है, बेटा अगर धनुष तोड़वाया संत ने, अपराध संत के द्वारा हुआ है, तो अगर संत भी अपराध करते हैं तो वो भी दंडित होते हैं। विचार कीजिए, राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में महाराज वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था कनखल हरिद्वार में, किसके विरोध में, भगवान शंकर के विरोध में, उस यज्ञ का भी समर्थन एक संत कर रहे थे हमारे बाबा भगु, भगु बाबा ने यज्ञ का समर्थन किया और यज्ञ को वीरभद्र ने विध्वंस किया और भगु जी को भी दंड दिया। क्या दंड दिया, कमजोर की सहायता का यही फल होता है, कमजोर की सहायता, और गल्ला अरे करो तो शरण लो ठाकुर जी की, जो सक्षम है आप लो दक्ष की, जो कहे लायक नहीं है। अब रुको ना, देखिए वो बकरा वो बकरी बाद में बना, अगर दक्ष सामर्थ्यशाली ना होता तो उसको कभी प्रजापति का पद भी ना मिलता। शास्त्र ने कहा कि बल अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान हृदय मा आवा, दक्ष अगर अधिकारी ना होता तो महाराज उसको प्रजापति का पद ना मिलता, और अगर प्रजापति का पद मिला तो अभिमान आ गया, क्योंकि संसार में व्यक्ति को पद मिलता है तो उसके जीवन में मद आ जाता है, और जिसके जीवन में मद आ जाता है फिर वो महाराज किसी का भी अपमान कर सकता है। भगवान शंकर का अपमान किया था, क्या अपमान किया था, कि दक्ष सभा हम सन दुख माना तब ते अजहू करे अपमाना। दक्ष ने अपने सभा में
भगवान शंकर का अपमान किया था। क्यों? क्योंकि दक्ष ने ब्रह्म सभा का आयोजन किया, उस सभा में भगवान शंकर भी थे, भगवान विष्णु जी थे, ब्रह्मा जी भी थे। दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं, और पिता कभी अपने पुत्र का अभिवादन नहीं। और ये हमारे आदरणीय हैं श्री रजनीश जी अवस्थी, आपकी ओर से श्री परशुराम जी, अच्छा श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास स्थान में आपने 50 मुद्राएं भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ब्रह्मा जी ने उठकर खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। आगे भगवान विष्णु बैठे थे, दक्ष ने देखा कोई बात नहीं, ये हमारे बाबा जी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। जब भगवान शंकर को बैठे हुए देखा, आग बबूला हो गया, भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगा। तब वहां पर जब नंदी ने ऐसे शब्द सुने, नंदी उठकर खड़ा हुआ और दक्ष को श्राप दिया, जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, एक दिन इसी मुख में बकरे का मुख लग जाए। उसी श्राप के कारण वीरभद्र ने दक्ष के शिव को नष्ट किया। तुम्हारी दूसरी बात, तुमने कहा बेटा खेल लंबरदारों का, और आज यहाँ एक ऐसा फूल खिला है, फूल के ऊपर फूल, फूल के नीचे फूल, जाने कितने फूल, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आज तक ऐसा फूल न खिला होगा, फूल के ऊपर फूल खिला है, फूल के नीचे फूल खिला है। इसी फूल के सम्मान में आ गए हमारे श्री फूल सिंह जी, इसी ग्राम के निवासी हैं, और श्री हनुमान जी लला और श्री राम जी और संतों के बहुत बड़े भक्त हैं। इनका विशेष सहयोग मिलता है, आपकी ओर से 201 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरण सेवा में महाराज जी के लिए, और 10 मुद्राएं श्री परशुराम जी, 10 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी, और 10 मुद्राएं आपने श्री रामचरितमानस ग्रंथ का भी महत् सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात आई व्यास जी फूल की, महाराज बोलना चाहते हैं क्या? संसार में फूल बहुत है, गेंदा है, कचनार है, जूही है, चमेली है, चंपा है, संसार में फूल बहुत है। और आपने देखा होगा हर एक फूल के ऊपर भौंरा भी बैठता है, भौरा फूल के ऊपर बैठता है और फूले के रस को लेकर पराग को ले जाता है। लेकिन चंपा एक ऐसा पुष्प है जिसके ऊपर कभी भौरा नहीं बैठता। चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरुपास, लेकिन अवगुण कौन विशेष है भ्रमर न जावे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। आ गए हमारे श्री रामचंद्र भैया जो इसी गांव के निवासी हैं, श्री रामचंद्र जी भगत जी, आपकी ओर से 10 मुद्राएं श्री परशुराम जी, 10 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी, और 10 मुद्राएं व्यास मंच में आपने प्रसिद्ध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए चंपा में तीन गुण है, देखने में सुंदर है, सुगंधित है और पराग से युक्त है, लेकिन भौरा तब भी उस पुष्प के ऊपर बैठता, यही उसका सबसे बड़ा अवगुण है। अपने समय में बताइएगा भौरा क्यों नहीं बैठता। अरे हमका भौरा औरा बैठे चाहे ना बैठे, का मतलब बेटा भौरा तुम खुदे हो, हम तो उस फूल के चक्कर में पड़े हैं। किस फूल के चक्कर में? किस फूल? आप भौरा वाले और चंपा के फूल के चक्कर में पड़ गए, हम तो उस फूल के चक्कर में पड़े हैं जिस फूल का, अगर वो फूल ना होता तो ये सारा संसार भी न होता। जब वो फूल ना होता, वही फूल कौन सा? कह रहे हो हाँ, हाँ, कौन सा फूल? विष्णु जी की नाभि से कौन सा फूल ने जन्म लिया? कमल ने। कमल, कमल। आज जितना ये संसार में आप देख रहे हो ना बाबा, हाँ, विष्णु जी की नाभि से कमल का जन्म, और कमल से किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी संसार के रचनाकार हैं, इस सृष्टि के विधाता हैं, तो अगर कमल का पुष्प ना होता तो ब्रह्मा जी ना होते, और अगर ब्रह्मा जी ना होते तो ये संसार ना होता। तो ऐसे फूल की चर्चा करो और देखो, जो कम अगर फूल की ही बात कर रहे हैं तो अगर उस फूल की पहचान आप कर लेंगे, किस फूल की? किस फूल? वही कमल के पुष्प की।
कमल की पुष्प की पहचान आप जानते हैं कि नहीं जानते? कमल की पुष्प की पहचान? हाँ जानते हैं। सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी क्या पहचान? जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है। मिथिला से जोड़ रहा हूँ यहीं पर। अब तुम मिथिला की बात तुम जानो। यहाँ से जोड़ रहा हूँ, जिसने धनुष तोड़ा है, जिसने धनुष का खंडन किया है, तो जानकी जी ने धनुष तोड़ने वाले के गले में जयमाला डाली है। जयमाला, जयमाला। जानते हो जयमाला कहे की पड़ी हुई कहे है? ब्यास जी, जयमाला जो जयमाला पड़ी हुई है धनुष तोड़ने वाले के गले में, वो भी कमलन की फूल किया पड़ी हुई है। वो फूल छेदे गए होंगे धागे में, तब जयमाला बनी होगी, तभी तो आ गए श्री छेदीलाल जी हमारे। हाँ, छेदीलाल आ गए। हाँ। और क्या, माला छेदी गई होगी, पुष्प छेदे गए होंगे धागे में, तब माला बनी होगी। हैं? श्री छेदीलाल भैया जी की ओर से, जो यहाँ के ही निवासी हैं, आपकी ओर से 11 मुद्राएं दोनों युगल महत्पुरुषों के श्री चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चंपा के फूल और हम कमल की पुष्प की चर्चा कर रहे हैं। ये चंपा का फूल छोड़िए, अब कमल के पुष्प की चर्चा कीजिए। संसार में जितना खेल है ये सब कमल का खेल है बाबा जी। अब मिथिला में अगर आप कमल की पहचान कर लेंगे तो धनुष तोड़ने वाला आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए। अब कैसे दिखाई देना लगेगा? क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है उसके गले में जानकी जी ने जयमाल डाली है। अब वो जयमाल कहे की है तो आचार्य को भी लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? कि करो सरोजो, ये करो सरोजो जयमाल सुहाई, करो वो सरोजो ये जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। जो तोड़ने वाला है ब्यास जी वो भी कमल के समान, क्योंकि अभी आपने एक उपमा बताई थी, आपने कहा था पुष्प के नीचे पुष्प, लेकिन वो पुष्प कौन सा? कमल का पुष्प। कमल के नीचे कमल, कमल के नीचे कमल, कमल के नीचे कमल। और एक बात बता दूं, ये मेरा विश्वास अटल है कि जीवन में केवल कमल ही खिलेगा, परशुराम जी नहीं खिलेंगे। अच्छा, कमल खिलता कब है? कमल खिले, हम मिथिला में कमल खिलना, कमल बेटा होता है, कमल लेकिन कमल खिलता कब है? तो शास्त्र ने कहा, क्या कहा ब्यास जी? उनको आने दो। तो कहते ही ओ सर सुनि शिव धनु भंगा, आए भगकुल कमल पतंगा। कमल खिलेगा कब? जब सूर्य का उदय होगा, और हम उदय सूर्य हैं। बिल्कुल, आपने किस प्रकार, आए भगकुल कमल पतंगा, और पतंगा का अर्थ है बेटा सूर्य। जब सूर्य उदय होगा तभी कमल भी खिलेगा। उपमा आपने बहुत अच्छी बताई, सूर्य का उदय होगा तो कमल खिलेगा। बिल्कुल, ये उपमा आपसे जोड़ी गई है कि तेही तेही अवसरो, ये उपमा आपसे जोड़ दी गई है ना, क्योंकि जिस समय आपका आगमन मिथिला में हुआ तो यहीं से प्रारंभ है, यहीं से प्रारंभ है। तेही अवसरो सुन शिव धनु भंगा, तो आये फेगु कुल कमल पतंगा। अगर आपकी उपमा कमल से दी जा रही है ठीक, तो देखिए दिखाइए लक्ष्मण की उपमा भी कमलन से दी जा रही है। कैसे? अगर आपकी उपमा कमल से दी जा रही है तो ये लक्ष्मण की उपमा भी कमल से दी जा रही है। आपने रामचरितमानस से एक सिद्धांत पढ़ा, लक्ष्मण भी रामचरितमानस से एक सिद्धांत पढ़ रहा है। लक्ष्मण की उपमा भी कमल से दी गई, कैसे? कि बल दऊ लक्षी मन पदो चल जाता, के बल दऊ लक्षी मन पदो चल जाता, तो शीतल सुभगो भगत सुखदाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, ठीक है। जो गोस्वामी बाबा ने यहाँ पर जल जाता शब्द का प्रयोग किया है,
यद्यपि जल से बहुत लोगों का जन्म हुआ है जल से, लेकिन जो जल जाता शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है तो जल जाता का शब्द का प्रयोग मतलब है कमल से। ये कमल से उपमा दी जा रही है लक्ष्मण की कि बंदा लक्ष्मण पद जल जाता तो शीतल सुभग भगत सुखदाता, तो लक्ष्मण की उपमा भी कमल से दी जा रही है। लेकिन आपको किस कमल की पहचान करना है? आपको जो जयमाला पड़ी हुई है धनुष तोड़ने वाले गले में, अगर तुम्हारे मोतिया बिंद हो गई होगी तो ना देख पाओगे। वाह सुंदर, अगर नेत्रों में मोतिया बिंद है तो उसकी पहचान नहीं कर पाओगे। और नहीं तो मिथिला में ही धनुष तोड़ने वाला उपस्थित है, अब मिथिला में ही धनुष तोड़ने वाले के गले में जयमाला पड़ी हुई है। अब आप घूम फिर करके देखो कि गले में जयमाला किसके पड़ी है। और ये हमारे भैया सबसे बड़ी पहचान है, बता रहा हूँ तोड़ने वाले की। आप ये तो उसके गले में पड़ी होगी, मनोज न सावन के गले में। अच्छा, कोटि मनोज न सावन हारे, तभी तो आ गए भाई मनोज जी हमारे। हमारे भैया श्री मनोज भैया जो यहीं के निवासी हैं, आपकी ओर से 10-10 मुद्राएं युगल महापुरुषों के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। बैल जी, चर्चा चल रही है सूर्य की और कमल की, तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि महाराज हम कमल हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, क्योंकि कमल का जो जन्म होता है वो जल से होता है। देखिए, खाली कमल का ही जन्म जल से नहीं होता, जल से और जीवों का भी जन्म उपजय एक संग जग माही, लेकिन जलज जोक सम गुण बिलगाही। जल में जन्म कमल का भी होता है और जल में जोक भी पाई जाती है। विचार कीजिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर जल में कमल होता है तो जल में जोक भी होती है। कमल तो लोगों को सुगंधित करता है, लेकिन जिहके जोक चपकी होई वही जानत। ईमानदारी से बताइए, कमल तो संसार को सुगंधित करता है लेकिन जोक संसार को कष्ट देती है। ये गुण और अवगुण है। अच्छा, कमल खिलेगा कब? जब सूर्य का उदय होगा। और हमने कहा था हम है सूर्य आए भगकुल कमल पतंगा, और पतंगा माने होता है सूर्य। सूर्य कमल को खिलाता है, लेकिन अगर कमल का जल खत्म हो जाता है तो वही सूर्य कमल को जला भी देता है। विचार कीजिए। और ये आ गए हमारे भैया श्री संदीप जी चौरसिया, आपकी ओर से श्री परशुराम जी के श्री चरणों में ये 10 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यास जी किस प्रकार? तो फिर आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भानु कमल कुल पोषनिहारा। भानु माने सूर्य, कमल के कुल को महाराज पालता है, पोषण देता है। लेकिन बिनु जल जारी करे सोई छारा। वही कमल का जब जल समाप्त हो जाता है तो वो वही कमल उस कमल को भी जला देता है। बहुत अच्छी बात स्मृत में आ गई। महात्मा परशुराम जी ने एक कमल की चर्चा किया और एक किसकी चर्चा किया साथ में? जोंक। जोंक लिपटती बहुत खराब है, बहुत भयंकर। कभी अनुभव किया है? अब हमारे तो नहीं लपटी आए, सरयू नहा गया। जानते हो लिपटती किसकी है? जो संसार में माया में लिप्त है उसके लिपटती है ज्यादा, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो संसार देखो, चाहे जोंक हो, चाहे सांप हो, चाहे बिस्कापर हो, सबका ठाकुर दीन। क्या बात नदीन, ठकुरे साहब के तो दिन है यार, सब सम्मम प्रिय, सम्मम उपजाए, तभी तो आ गए हमारे श्री ठाकुर दीन जी। आपकी ओर से 11-11 मुद्राएं युगल महापुरुषों के श्री चरणों में, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब जोंक लिपट जाती है व्यास जी, तो जोंक को छुटाने के लिए लोग कहे का प्रयोग करते हैं। नमक लगाओ तो काय का नमको डाल देते, नमक डाल देते। हाँ, एक नहीं, ये उपयोग भी सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध है। नमक भी डालते हैं, चिमटे से खिंचाई भी उसकी। हाँ हाँ, वो चिमटे वाले में तो आधा नोच के चला ही, आधा फिर आधा लिपटा रह जाए। लेकिन लोग नमक का प्रयोग करते हैं। तो ये माया, देखिए ये माया रूपी क्या है? ये माया रूपी है जोक, और नमक रूपी है भक्ति। वही तो रामरस है, क्योंकि नमक का एक नाम संत भाषा में रामरस भी होता है। नमक रूपी है भक्ति, और ये जोक रूपी है माया। तो ये जोक रूपी माया कब जाती है? तो ये जोक रूपी माया तब जाती है जब नमक रूपी भक्ति का प्रयोग होता है।
क्योंकि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, नमक रूपी भक्ति का प्रयोग करो। कैसे? जैसे बहुत व्यंजन रखे हुए, अब बहुत व्यंजनों में अगर नमक का प्रयोग नहीं है तो सब व्यंजन फीके हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन हो और नमक नहीं आ तो सब बेकार है। और फतेहपुर से पधारे हमारे श्री शिरोमणि सिंह जी, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास स्थान में भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये माया रूपी है चौक, तो माया रूपी चौक को कौन समाप्त करता है? तो ये माया रूपी चौक को समाप्त करने वाली है ये नमक रूपी भक्ति। बहुत व्यंजन रखे हुए हैं और अगर व्यंजनों में नमक का प्रयोग नहीं है तो व्यंजन फीके हो जाते हैं। नमक रूपी होती भक्ति तभी उसको कहा जाता है राम रस। गोस्वामी बाबा ने एक सिद्धांत लिखा, क्या? संसार में भक्ति का प्रयोग करो तो ये माया रूप की चौक समाप्त हो जाएगी। भक्ति का प्रयोग, नमक रूपी भक्ति कैसे है? नमक रूपी भक्ति है कैसे कि भगति ही हीनो। रामचरित मानस उदाहरण नमक का जुड़ रहा है। कैसे? कि भगति ही हीनो सब गुणो सुखो ऐसे, भगति ही हीनो सब गुणो सुखो ऐसे, अल्लाह वाले बिना बहु व्यंजनो जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बड़ी सुंदर चर्चा आ गई, देखिए श्री परशुराम जी पक्ष से और श्री लक्ष्मण जी पक्ष से। देखिए जोंक का एक विशेष गुण भी होता है, भैंस के जहां दूध भरा हो, दूध जहां भरा हो वहां लिपट जाए, लेकिन दूध के भंडार में दूध नहीं पिएगी, खून पिएगी। अनुभव है, दूध के भंडार में लिपटी है लेकिन चूस क्या रही है? खून, दूध नहीं। यह है माया का स्वभाव, जिसके लिपट जाती है तो खून नहीं पीती है। देखिए ये विद्वानों का समागम और ये विद्युत समाज बड़े सौभाग्य का विषय है, ये आनंद का विषय है। देखिए माया और भक्ति, व्यास जी दो बातें जुड़ गई, माया भक्ति जुड़ गई, जोक और नमक से जुड़ा जा करके, तो जो दो दो धरातल जुड़े हैं। जोक रूपी है माया, नमक रूपी है भक्ति, जोक रूपी माया महात्मा परशुराम जी की लिपटी हुई है। बाप जोक के लिए हम ही मिले थे, ये जोक रूप, क्योंकि माया में ये पी रहा है कुछ, वो पी रहा है, ये माया में लिपटे हुए हैं, ये माया है। अरे संसार में जो योगी जन होते हैं वो ये नहीं कहते कि मेरा था चला गया संसार से, क्यों चला गया? क्योंकि योगियों के लिए एक ब्रह्मवाणी का सिद्धांत कहता है प्रजहात यथा कामान। गीता का श्लोक है प्रजहात यथा कामान सर्वान पार्थम मनोगताम आत्मन्येव आत्मनाम तुष्टम स्थिर प्रज्ञ दोचते। जो योगी जन होते हैं, योगी जन अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, वो संसार के माया जाल में नहीं फंसते हैं। महात्मा परशुराम जी आज माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो माया रूपी चौक इनके लिपटी है, तो नमक रूपी भक्ति से जाएगी। और वो नमक रूपी भक्ति किसके पास में है? वो नमक रूपी भक्ति है धनुष तोड़ने वाले के पास। हाँ देखिए इसी क्रम में माया आपका इंतजार कर रही है, पकड़िए। धन्यवाद श्री सीताराम जी महाराज की जय। लंबरदार विशेष सहयोग, बिल्कुल लंबरदार सहयोग देंगे। मैंने बताया था 51 रुपए भैया का सहयोग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये भक्ति आएगी कैसे जीवन में? भक्ति जब परमात्मा की कृपा होगी। और ये इसी क्रम में 50 पुष्प मुद्रा आप श्री के चरणों में और 50 ये सहयोग में भैया हमारे पता के है। ये भैया का नाम जो है शिव भोला भैया, हम भूल जाते हैं। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो भक्ति आ जाती है, इसी तरह से सब। जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो वो माया में लिपटा रहता है, भूल। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। राजकुमार लक्ष्मण ने जोंक को माया बताया, माया भक्ति, माया रूपी जोंक संसारिक व्यक्ति का खून चूसती है, और भक्ति रूपी नमक अगर डाल दिया जाए तो वो मनुष्य के शरीर से विलग हो जाती है। लेकिन माया रूपी जोक से संसार का व्यक्ति कब तक बचेगा? अच्छा विचार कीजिए, माया कहाँ तक है व्यास जी? कहाँ तक है? तो कहाँ को बेचर जहाँ लग मन जाही से सब माया जा न्यू भाई मैं और मोर तोर तय माया।
तो कहीं बस की ने जीवन निकाया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही संसार में माया है। पूछे ये भवन किसका है, ये मेरा भवन है। ये प्रतिष्ठान किसका है, ये मेरा प्रतिष्ठान है। ये शरीर किसका है, ये मेरा शरीर है, यही माया है। और माया जीव को संसार में मिलाती है। ये याद करने की चीजें हैं, आप लोग याद करिए इनको। अच्छा देखिए, प्रायः माया माया और परमात्मा के बीच एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो अज्ञान का पर्दा है। लेकिन जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होगा नहीं। बेटा तुम कह रहे हो भक्ति नमक है, बेटा भक्ति नमक नहीं है, जो भक्ति है वो सरकरा है। अच्छा, जो भक्ति है वो सरकर है बेटा, क्योंकि भक्ति में है मधुरता। जी जय हो। तो नमक में कभी मधुरता होती नहीं है। और भक्त के जीवन में जब तक मधुरता नहीं आएगी, तब तक महाराज उसके जीवन से कभी माया रूपी जोंक जाने वाली भी नहीं। एक भक्त के जीवन में मधुरता आई थी, परमात्मा ने कहा था वरदान मांगो, लेकिन उसने वरदान और भक्ति का प्रभाव था कि संसार में कोई नाम के लिए नाचता है, कोई काम के लिए नाचता है, कोई दाम के लिए नाचता है, लेकिन उस वो भक्त अगर नाचता है तो केवल अपने राम के लिए नाचता है। और राम के लिए नाचने वाले महाराज जल्दी से मिलने वाले। इसी ग्रंथ में प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आ तुर धावा, कबहु के फिर पाछे पुनि जाई, और कबहु के नृत्य करे गुण। ये भक्त के जीवन की मधुरता होती है कि सब कुछ अपना परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी वो हंसता है। ये भक्त के लक्षण है। लेकिन ये भक्ति ऐसे मिलने वाली भी नहीं है बेटा। अच्छा, भक्ति मिलेगी कब? बहुत बढ़िया विषय। जब तक भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे, तब तक भक्ति मिलने वाली भी। लोगों ने प्रयास किया कि हमको भक्ति मिल जाए, लेकिन भक्ति मिली नहीं जब तक भोलेनाथ की सन्निधिता नहीं प्राप्त हुई। देखिए बड़ा सुंदर संवाद का धरातल खड़ा हो गया है। नमक का विलोम होता है शक्कर, क्यों? जस्ट विलोम। अब पक्ष बहुत सुंदर बना, लक्ष्मण जी के पक्ष से भक्ति नमक जिससे जोंक छूटे, परशुराम जी के पक्ष से नमक नहीं शक्कर जिससे जोंक छूटे। अब कैसे छूटे दोनों विद्वान बात करेंगे। इस बात पर हमारे परम प्रसन्न हुए श्री महाराज जी, परम श्रद्धे हमारे श्री महाराज जी की ओर से ये 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास मंच में आपने भेंट किया है, आशीर्वाद स्वरूप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एक है माया और एक है भक्ति। माया भक्ति सुनो तुम सो, अविद्या अपर अविद्या दो। जो माया है वो अविद्या है, और जो भक्ति है वो विद्या है। संसार का व्यक्ति अविद्या नहीं चाहता, अगर चाहता है तो विद्या ही। और विद्या निकली कहां से है? भगवान शंकर। भगवान शंकर ने मतलब 14 बार डमरू बजाया तो व्याकरण के 14 सूत्रों का निर्माण हो गया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाड ढक्वाम नव पंचवारम, उद्धव तुकामाशन का सिद्धे नेतक विमर्शे शिव सुत जालम। भक्ति मिलेगी बेटा तो वही मिलेगी। किस प्रकार व्यास जी? तो कहजे अकाम होए छल तज से ही, तो भक्ति मोरते ही कर दे जो अकाम। जीवन से निष्कामता को निकाल करके, सभी कामनाओं को त्याग करके भगवान शंकर के शरण में आ जाया जाए, तो भगवान शंकर राम रूपी भक्ति आपको प्रदान कर देंगे। चलिए दो बातों का प्रयोग हुआ। हमने कहा नमक रूपी है भक्ति, तो इन्होंने कहलाने का ये प्रयोग किया कि नमक रूपी भक्ति नहीं है, शक्कर रूपी भक्ति है। व्यास जी ये मत आपका कहां तक जा, शक्कर रूपी भक्ति है?
भक्ति क्या शक्कर रूपी होती है? अगर मीठापन लोगों के अंदर है तो क्या वो भक्ति का प्रयोग हो जाएगा? अगर कड़वा है तो क्या वो भक्त हो सकता है? होता है, नहीं होता बेटा, कैसे होता है? होता है संसार में ऐसा, कैसे होता है? बात जो छूटने की है, कहे से छूटा है? कहे से छूटे? माया रूपी जो चिपकी है, यही से तो शक्कर से छूटे कि नमक से छूटे, बात ये है, यही से जुड़ा था बात हमारी, बात यहाँ जोड़ी है, क्योंकि हमने एक सिद्धांत पढ़ा था। व्यास जी फंसा रहे हैं, लवण बिना भू व्यंजन जैसे उदाहरण है, व्यास जी लखनलाल जी को फंसा रहे हैं। नहीं हम नहीं फंसा नहीं रहे, हमने ही दिया था ये उदाहरण, हमने ही कर दिया था उदाहरण, आपने क्यों दिया रामायण? हमने ही उदाहरण महात्मा परशुराम जी के सामने रखा था। अरे रामचरितमानस में है, अगर आप कह रहे हैं तो रामचरितमानस की चौपाइयां तो मैं इनको यही सिद्धांत मनवाने के चक्कर में तो हूँ कि इन सिद्धांतों को आप माने। मैंने वाला सिद्धांत इनके सामने प्रस्तुत किया था, ये सिद्धांत है। अच्छा, हमने जो कहा सिद्धांत नहीं है, तो उस सिद्धांत को आपने काटते हुए अपने दूसरे प्रश्न का प्रयोग किया, अब फिर से हम बता रहे हैं, पहले आप बोल लीजिए। और पुनः आ गए हमारे भैया श्री ठाकुर दीन जी, आपकी ओर से भाई श्री परशुराम जी सरकार के लिए 50 मुद्राएं आपने स्पेशल करके भेंट किए हैं, भाई ठाकुर दीन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए माया और भक्ति जुड़ी हुई थी दोनों। ठाकुर दीन भैया का मुख देख के आए छोड़े दे रहे हैं, नहीं तो अब तक निपटा दिया गया होता। ठाकुर दीन भैया यह सोच रहे हैं कि बेमतलब जोंक से या जोंक और माया की जो संबंध की चर्चा हुई थी, तो ये माया रूपी जो जोंक, ठाकुर जी ये सोच रहे हैं कि माया रूपी जोंक जो तुम्हारा खून चूस रही है। अच्छा, हमारा खून चूस रही है। ये तुम्हारा, क्योंकि क्रोध आपका बड़ा हुआ है। तुम्हारा खून ना चूसे, तुम वे खूनो बहुत। अच्छा ये बताओ, आपके अंदर अगर क्रोध विद्यमान है तो ये क्रोध के बसीभूत आप भक्ति कर रहे हो? नहीं, क्रोध देखो अभी तुमने पक्ष ना बदलो, तुमने कहा जोंक है माया। नहीं, क्रोध रूप, देखो माया जोंक और क्रोध ये तीनों जुड़ी हुई है। माया जोंक और क्रोध, क्रोध आपके अंदर है, क्रोध क्यों है? और ये हमारे भैया श्री विपिन सिंह जी, क्योंकि माया रूपी जोंक है इसलिए क्रोध। और श्री संदीप चौरसिया, आपकी ओर से 10 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी सरकार के लिए स्पेशल रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माया रूपी जोंक इनके पास में इसलिए क्रोध है, ये क्रोध जाएगा कैसे? हाँ ये देखिए, इसी क्रम में बालिका, ये हमारी ये देवी सरोज है, इन्हीं की बिटिया है, 140 रुपए दे गई है। अब ये 20-20 क्या बोला समझ में नहीं आ रहा। ये माया रूपी जोंक भक्ति से जाएगी, और भक्ति वही वाली नमक वाली भक्ति करो। अच्छा, नमक वाली भक्ति, बिल्कुल खट्टा शक्कर वाली ना करो, नमक वाली भक्ति करो, क्योंकि जो नमक वाली भक्ति है वो भक्ति के साधन कितने बताए हैं, वो भक्ति के। आपने माया की चर्चा सुनाई थी, और हम अब आपके सामने भक्ति की चर्चा प्रस्तुत करते हैं। जो भक्ति के साधन बताए गए हैं, वो भक्ति के साधन 9 प्रकार के बताए गए हैं, और वो 9 प्रकार की भक्ति के साधन कौन बताए गए हैं? और श्री रमेश जी विश्वकर्मा कहाँ से? बजरंगापुर से पधारे हैं भाई श्री रमेश जी विश्वकर्मा, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब वो नमक रूपी भक्ति के साधन कौन कौन, तो प्रथम भक्ति संतनो, ये प्रथम भक्ति संतनो कर संगा, तो तू सररति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तो तीसरी भक्ति अमानो, तो चौथी भक्ति मम गुनो गनो, तो कराई कपटो तजी कान हो बाबा, तो मंत्र जापो मम दृढ़ो विश्वासा, पंचम भजनो सुपेत प्रकाशा, छठ दम सीलो बिरत बहु करीमा, तो निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव समो मुहिमय जग देखा, तो मोते अधिको संत कर लेखा, तो आठव जथा लाभो संतोषा, तो सपने हु नहीं देखे पर दोषा, नवम सरलो सब सनो छलहीना,
तो ममो वो भरोसो ये हरस नदी। हमने नमक रूपी भक्ति बताई है, चलिए ठीक है। और अगर शक्कर रूपी भक्ति हो उदाहरण स्वरूप में तो आप बता देंगे, इसके बाद में फिर धरातल बदलते हुए हमारे श्री अखिलेश जी के सुपुत्र हमारे भैया श्री धुन्ना जी की ओर से, मैंने क्या कहा, धुन्ना पुत्र श्री अखिलेश। अखिलेश जी आपके पिता हैं? हाँ, तो उल्टा हो गया होगा। श्री धुन्ना जी के सुपुत्र भाई श्री अखिलेश जी की ओर से ये 101 मुद्राएं हमारी रामलीला समिति यानी हनुमान जी के श्री चरण में दान स्वरूप भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा व्यास जी, बात अखिलेश भैया और ये सब लोगों का ये सहयोग बड़ा अच्छा लगता है। पत्रम पुष्पम फलम तो या मेन भक्ता समर्पयम, भगवान को धन नहीं भाव की जैसे आप लोग बता रहे हैं, ये भाव है आपका। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये इतना बड़ा सहयोग है, वास्तव में हमारा कुछ लगता नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के सभी भक्तगण हैं ना। देखिए, राम काज के लिए ही कुछ व्यक्तियों का अवतार होता है। हनुमान जी का अवतार हुआ तो राम ला काज लगतो अवतारा। हाँ, आइए विचार कीजिए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि जो भक्ति है वो है नमक। भक्ति नमक है, मगर भक्ति शक्कर नहीं है, भक्ति शर्करा नहीं है, भक्ति है नमक। हम फिर कह रहे हैं भक्ति है शक्कर। अच्छा, हाँ, यही पच्चे न होना चाहिए। किस प्रकार महाराज काग भुसुंडी जी ने अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त किया। अच्छा, सब सुख खान भगत तय मांगी और नहीं को तो ही समान बड़ भागी। काग भुसुंडी जी ने भगवान से भक्ति मांगा तो भक्ति के प्रभाव से उनके जीवन में मधुरता आ गई। ईमानदारी से बताइए आप सभी, कौआ बोलेगा तो कौआ कड़ुआ बोलेगा कि मीठा बोलेगा? कड़ुआ बोलेगा, कौआ बोलेगा तो काव काव बोलेगा, कड़ुआ बोलेगा। लेकिन जब काग भुसुंडी जी को भक्ति मिली तो जो जीवन कड़वा था वो जीवन मीठा हो गया। और फिर अवधाली आचार्य ने दिया कि कवि पूजा समेत अनुरागा और मधुर वचन तब बोलो आगा। अच्छा व्यास जी, मधुर माने नमकीन की मीठा, मीठा मधुर माने होता है मीठा। काग भुसुंडी जी है भगत, भक्ति मिली तो उनके जीवन में मिठास आ गई बेटा, तो भक्ति है मिष्ठान। व्यास जी एक व्यास ये विचार कीजिए। हाँ, विचार करें। काग भुसुंड जी ने जब आंगन में श्री राम जी खेल रहे थे, आंगन में भोजन भी कर रहे थे, तो जब आंगन में काग भुसुंड जी, क्योंकि एक एक शब्दों का प्रयोग बड़ी दूर तक जा रहा है, काग भूषण जी ने जिस समय भगवान श्री राम जी को देखा कि श्री राम जी भोजन कर रहे हैं, तो उस समय जो भोजन कर रहे थे श्री राम जी, तो शक्कर वाला भोजन कर रहे थे कि नमक रूपी भोजन कर रहे थे? भोजन जो कर रहे थे, काग भूषण जी ने जिस समय श्री राम जी को देखा था। स्वामी जी, बहुत एक अच्छी चर्चा आ गई है इस चर्चा को, क्योंकि साधु संतों की लीला है। बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आई है। महात्मा परशुराम जी ने एक सुंदर मीठा शक्कर से एक काग भुसुंड जी का उदाहरण दिया है। लेकिन श्री राम जी जिस समय आंगन में भोजन कर रहे थे, अब काग भुसुंड जी ने देखा कि श्री राम जी आंगन में भोजन कर रहे हैं, तो भोजन जो श्री राम जी आंगन में कर रहे थे बाल्यावस्था में, तो ब्यास जी वो मीठा भोजन कर रहे थे कि नमक रूपी भोजन कर रहे थे? उसमें मिठास था कि नमक रूपी था? हम बता दें, रुको पहले निर्णय होने, थोड़ा 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 रुको थोड़ा थोड़ा शक्कर की खाया जाता। चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो शक्कर की खाया जाता। लड़काई जह जह करही, भाई मैया कौशल्या जी ने कट्टू कट्टू बना के लिया, बना दिया ये ऐसे मोड़ के रोटी। कट्टू कट्टू बनाया क्या? कट्टू कट्टू क्या बनाया? हाँ। रोटी बनाई और क्या ना, पुआ बनाया। अच्छा, पुआ बना। हाँ। पुआ मीठे वाले पुआ है। लड़काई जह जह का भूषण जी कहते हैं कि जब जब अयोध्या में श्री राम जी का जन्म होता है, तो जब राम जी का जन्म होता है तो मैं अयोध्या में जाता हूँ। अयोध्या में जाकर के अयोध्या में 5 वर्ष तक रहता हूँ। माता
अर्थात माता कौन? माता ने भोजन तो बनाया और उस भोजन को ग्रहण किसने किया? उस भोजन को ग्रहण किया श्री राम जी ने। और ये देखा किसने? ये का कुसुम जी देख पीछे पीछे दौड़ रहे बिल्कुल। लड़काई जह जह करही तह तह संगो उड़ाओ तो झूठन गिरत अजीर माँ सो उठाए कर खाओ। अच्छा ये जो राम रस कहा गया है, राम रस ब्याज जी, ये जो राम रस कहा गया है, ये राम रस शक्कर को कहा गया कि नमक को कहा गया? राम रस तो नमक को कहा गया है, इसीलिए कहा गया चूंकि नमक। अच्छा राम रस नमक तो को कहा गया है, तो हमने राम रस रूपी से जोड़ा था, राम रस रूपी से ये सिद्धांत है। अच्छा राम रस से जोड़ा था ये सिद्धांत भाई, राम से जुड़ने के बाद तो जब पत्थर तैरने लगते हैं तो नमक क्या बहुत छोटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब धनुष तोड़ने वाले की बात है तो हम तो कहते हैं भक्ति जानेंगे, और अगर धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हैं, सीधा सीधा रखिए सीधा, अगर धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हैं तो कोई दूसरा ऐसा उपाय निकालिए, क्योंकि कन्या का विवाह है और कन्या के विवाह में लोग हमेशा योगदान देते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, हमेशा सहयोग की भावना रखते हैं। तो यहाँ पर भी आप सहयोग की भावना रखिए और धनुष तोड़ने वाले को जिस उपाय के द्वारा आप जाने वो उपाय प्रस्तुत कीजिए, मैं आपको धनुष तोड़ने वाले की जानकारी अवश्य रूप से प्राप्त कराऊंगा। चलिए, जब नमक को राम रस कहते हैं इसलिए उसमें रस है। अच्छा रस है तो किसका रस है? राम जी का रस। और राम रस जिस वस्तु में होता है, अगर वो जड़ है तो चेतन हो जाती है, और चेतन है तो वो ये राम रूपी उनमें रस का प्रभाव है। इतना प्रयोग है, साहस है, ये उनका प्रभाव है, प्रभाव कि जड़ चेतन को करही। श्री राम जी जड़ को चेतन कर देते हैं, चेतन को जड़ कर देते हैं, जड़ चेतन को करही, चैतन्य करही को जड़ो, अस समर्थ रघुनायक कही भजहि जीव ते धन। जो जड़ का चेतन करही जड़ ही करे चेतन। ये सत्य सकता है, कोई सामर्थ है उनका प्रभाव है, सामर्थ वान एक व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा संसार में सामर्थ वान बहुत है, तो कह समर्थ कहूं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसरी की। जो समरसशाली होता है तो आप परमात्मा से समरसशाली की उपमा दे रहे हैं कि जीव कोट की प्राणियों से? देखो परमात्मा की बात तो अलग हो गई, दो बातें हो गई, एक परमात्मा समरसशाली होता है, एक जीव कोट का प्राणी हो तो कहता हूं बहुत बड़े बलवान है, बहुत बड़े समरसशाली है। तो जो आप सिद्धांत लगा रहे हैं वो जीव की सामर्थ्यता नहीं है, वो जीव का अहंकार है। तो ये परमात्मा से जोड़ रहे हैं आप? ना, मैंने परमात्मा से जोड़ा और प्रकृति से जोड़ा, रवि पावक सुरसरी की नाई। ये रवि इसको भी कोई अपना परमात्मा मानता है, परमात्मा पावक माने अग्नि, अग्नि को भी भगवान कहा गया है, अग्नि देवता सुरसरी। क्या गंगा जी को भगवान नहीं माना जाता? बिल्कुल है? तो बेटा अगर वो सामर्थ्यशाली है तो ये भी सामर्थ्यशाली है, ये सांसारिक नहीं है, ये सब परमात्मा की ही दिव्य शक्तियां हैं। बेटा तुम कह रहे हो जानोगे कैसे? तो बेटा जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। किस प्रकार? तो कह जाने बिनो न होय परतीति, अपना परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति देढ़ाई। जिमि खगपति जल का, जब तक किसी व्यक्ति को जाना नहीं जाता तब तक उसको माना, और जब तक माना नहीं जाता तब तक उसके प्रति प्रेम भी। भाई मैं बचपन से बहुत परशुराम देखा है, लेकिन आपका दिव्य ओजस्वी और जितना प्रेम से समझाने का तरीका है, यही होना चाहिए। ज्यादा संवाद में उपद्रव नहीं होना चाहिए ब्याज जी, संवाद में ज्यादा उपद्रव नहीं होना चाहिए। ये विद्वान के लक्षण है,
और कभी कभी लोगों को देखा यह जाता है कि संवाद में लक्ष्मण परशुराम जी उपद्रव करने लगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का देखिए, हम इनका सम्मान करें, ये हमको स्नेह दें, ये नहीं है कि ये भी हमारा सम्मान, हमको स्नेह दें। जो श्याम है वो भी यही है, लेकिन बोल रहे हैं गोरेलाल जी, ये परशुराम से भिड़े हैं गोरेलाल जी, तो गोरेलाल जी ही समर्थन करेंगे गोरेलाल का। हमारे भैया श्री गोरेलाल जी आ गए, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री स्वामी जी के लिए श्री हनुमान जी की चरण सेवा में दान, और 10 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी, और 10 मुद्राएं व्यास स्थान में आपने भेंट किया है भैया जी को, बहुत बहुत। देखिए समर्थन लोग किसका करते हैं, समर्थन लोग संसार में सामर्थवान का करते हैं, और आपने सामर्थवान की चर्चा किया था, तो ये बात आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि धनुष को तोड़ने वाला भी कोई सामर्थवान ही है, कोई ऐसा वैसा नहीं धनुष का खंडन करने वाला। और जो सामर्थवान है, आपने कहा कि उस पर कभी दोष नहीं लगता है, तो बिल्कुल उस पर दोष ना लगाइए, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सामर्थवान है। हमने कहा आप कैसे जानेंगे, तो आपने कहा जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, तो आपने सिद्धांत पढ़ा कि जाने बिन न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, जब तक उसको आप जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि उसको जानना कोई साधारण खेल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साधारण नहीं है। कैसे नहीं है? इसलिए साधारण नहीं है क्योंकि राम कृपा, जब तक राम जी कृपा नहीं होगी तब तक उसको जाना नहीं जा सकता है। ये राम कृपा बिनु सुनो खगराई, राम कृपा बिनु सुन खगराई, अजानी न जाए राम प्रभुताई, अति हरि कृपा चाहि पर होई तो पाव दे किमो मारक सोई, सोचा नहीं जहि देहु जनाई, तो जानत तुम ही होई जाई, तो कोई दूसरा उपाय निकालो। ब्यास जी, संसार में कोई व्यक्ति अपने बल से बड़ा नहीं हो सकता, जिस व्यक्ति को परमात्मा बड़ा बनाना चाहे वही बड़ा होता है, जो बड़ हो तो सो राम। संसार के व्यक्ति अगर कोई भला काम किया तो पूछो भैया ये काम किसने किया, कहेंगे हमने किया, और कोई काम बिगड़ जाए और पूछो भैया ये काम कैसे बिगड़ा, कहेंगे हम का, यानी सब भगवान बिगाड़े। संसार का व्यक्ति ऐसा होता है कि रसगुल्ला स्वयं खाता है और मिर्चा भगवान को खवाता है, तो भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं वही बड़ा बन जाता है, इसमें जीव का कुछ महत्व तो नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज कि राम कृपा बिन सुन खगराई, और जानी न जाय राम प्रभुताई, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक उनको जाना भी, बेटा भगवान को भी प्राप्त करने का एक ऐसा साधन है, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है, अच्छा, तो वो एक ही उपाय करे, संतों के चरणों में रह करके सत्संग करे, और सत्संग के द्वारा उसको संसार की हर एक वस्तु मिल जाएगी। सत्संग का प्रभाव है सोई जानब सत्संग प्रभाव, तो लो कहूं बेद न आ न उपाऊ। संसार में अगर कोई सबसे बड़ा साधन है तो सत्संग का साधन। अरे सत्संग से तो बड़े बड़े सठ भी सुधर जाते हैं, सठ सुधर ही सत्संगति पाई, अगर दुष्ट को भी सत्संग मिल जाता है तो वो सुधर जाता है। बेटा सत्संग के द्वारा हम जान लेंगे धनुष तोड़ने वाले। इन्होंने कहा सत्संग के माध्यम से लोग सुधर जाते हैं, बिल्कुल। एक चौपाई इन्होंने सिद्धांत पढ़ा कि सत सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अब इसी के ऊपर वाली अगर एक चौपाई आप पढ़ लेते, मतलब कि छांट के पढ़ दिया आपने, अच्छा। अपने मतलब की आपने छाता है सत सुधरा सतसंगत पाई, इसी के ऊपर वाली एक चौपाई है, अच्छा, क्या है ऊपर वाली? अब ये सत्संग मिलेगा कैसे? कैसे पहले सत्संग प्राप्त करना पड़ेगा, और जब सत्संग प्राप्त हो जाएगा
तब सत सुधरई सतसंगत पाई पारस परस कुधात सोहाई। ये सत सुधरई सतसंगत पाई की ऊपर वाली कौन सी चौपाई है कि पिनू सतसंगो, इसी के ऊपर है बिल्कुल। ये पिनू सतसंगो जब विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक सठ लोग भी सुधर नहीं पाएंगे। और ये हमारे भैया श्री श्री छेदीलाल जी चौरसिया श्री प्रधान जी की ओर से, जो शिमौरा निवासी हैं, आपकी ओर से भी श्रीमोदनाय श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे कमालपुर से फौजी भैया जो ये भी लीला करवाते थे, शायद दो एक साल से नहीं हुई है, बहुत प्रेमी है लीला के, आपके संवाद से प्रभावित होकर वो लीला के सहयोग के महत्व को समझते हुए अपना एक से एक उस मुद्रा सहयोग राज प्रदान किए, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि महाराज सत्संग भी तो ऐसे नहीं मिलेगा, सत्संग कैसे मिलेगा? तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ। अगर सत्संग मिलेगा तो राम जी की कृपा से स्वामी जी फिर राम कृपा बिल्कुल सत्य, राम कृपा बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अब अगर राम जी कृपा मानेंगे तो फंसे फंसाए। नहीं नहीं बिल्कुल फंसे फंसाए हो, मैं बिल्कुल बिल्कुल सही देख लो, आपो कह रहे हो कि फंसे फंसाए हो, बिल्कुल सही है। अब आपो बाबा हम हूं बाबा वेतन कहियो, अब इतना बड़ा बलवान तो ही बाबा सही कह रहे हैं, तोड़ो छत्र के दंड दी, लेकिन कई के बल से अपने सब राम जी का प्रभाव है सब। ये बहुत कुछ कहे नहीं, अब खुलवाओ ना आप का करियो, जो जो को कहे सब राम जी का प्रभाव है बेटा। लेकिन एक साधन और है। कौन सा साधन है? सत्संग का साधन। सत्संग का कौन सा? तो कहा पड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भव। बेटा बड़े भाग्य से भी सत्संग मिल जाएगा। जाओ जाओ। हाँ। कक्षा एक बगैर पढ़े आप 1200 पास करना। अच्छा अच्छा ये बताओ सत्य, अब देखिए धरातल ही बदल गया। कहते हैं हमने कहा सत्संग कैसे मिलेगा, तो इन्होंने कहा बड़े भाग पाई सत्संगा। जब बड़े लोगों के भाग होते हैं, जब बड़भागी लोग होते हैं, बड़भागी इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब लोग बड़भागी होते हैं तब सत्संग मिलता है। बिल्कुल। अब ये बड़भागी लोग किसकी कृपा से होते हैं? फिर लावा कृपा। ये जो बड़भागी शब्द का प्रयोग हुआ, बड़भागी, हमने कहा था कि सत्संग मिलता है राम जी की कृपा से, तो इन्होंने कहा कि जब लोग बड़भागी होते हैं तब सत्संग मिलता है, तो बड़भागी लोग किसकी कृपा से होते हैं? राम जी की कृपा से। एक बात बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी का बेमानिस बता रहे हैं इनका, कृपा का बयान ही नहीं होगा। कोई बेमानिस बता रहे हैं क्या? क्या बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, बेमानी नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ये जो बड़भागी शब्द है, ये बड़भागी भी लोग बनते हैं, तो जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक संसार में कोई भी बड़भागी बनने वाला नहीं है। इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि हमारा इनका संवाद व्यास जी जो भी हुआ है आज प्रमाणित, कोई अन्य शास्त्रों से रामचरितमानस का एक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण बड़भागी है कैसे? लक्ष्मण बड़भागी है तो राम जी की कृपा लक्ष्मण पर है, इसलिए लक्ष्मण बड़भागी है। अब कौन सा सिद्धांत है बजाओ कि आहाई धरनो लक्ष्मी मने बड़ भागी, कि आहाई धनो लक्ष्मी मने बड़ भागी। क्यों? क्योंकि राम पदारे बिंदु अनुरागी, अनुरागी बहुत सुंदर, जो राम जी के चरणों का है अनुरागी है? वही है संसार में सबसे बड़ा बड़ो भागी। जो प्रभु राम जी की कृपा होनी चाहिए जब बड़ भागी बने। और ये जो धनुष यज्ञ बनाया गया, रचाया गया, इसमें वेदिका बनी, और इस वेदी के अवसर पर आए तीन माने त्रिवेदी, क्या बात, एक के साथ दो त्रि, हाँ शंकर त्रिवेदी वाह, अब भोलेनाथ तो थे ही पहले से, अब आए एक के साथ दो, एक धंधो बराबर तीन, तीन ही तो आए थे, अब तीन का खेल है मिथिला, तीन अक्षर
जनक तीन अक्षर, जानकी तीन अक्षर, और जहाँ बैठे उसकी तीन विशेषताएं सुंदर विशद विशाल, तो ऐसे आसन पर बैठने वाले भी तीन ही गुरुदेव जी के साथ दो। श्री शिवशंकर जी त्रिवेदी आपकी ओर से भी मुद्राएं युगल शरण कमलों में, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, समय मंच पर भी तीन लोग उनके बगल में बैठे। जय हो प्रभु, जय हो। कह रहे महाराज खेल है तो राम कृपा का खेल है। बेटा अगर भरत जी ने तुमको बड़भागी का पद दे दिया तो फूल के बादल हो। कहते हम बड़भागी हैं। क्या बेटा तुम ही बड़भागी हो? बड़भागी और भी हैं। और ये भैया साउंड सर्विस के प्रोप्राइटर हमारे विजय भैया जी साउंड सर्विस त्रिलोकीपुर से पधारे हैं। बहुत दूर से हैं विजय भाई, आगे कहाँ? अरे ही बैठ भैया, आपकी ओर से श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास मंच में आपने 50 मुद्राएं भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसमें भी तीन हैं, तीन है विजय है, बहुत से धनुष तोड़ने वाले की विजय है, और त्रिलोकीपुर से आए हैं, तीन पुर तो है ना। तो बड़भागी कौन है व्यास जी? कौन है? तो कहजे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोक बे तहू बड़ भागी। गुरु भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर हैं तीनों लोक के गुरु, हम उनके हैं अनुरागी, इसलिए हो बड़भागी। तुम बड़भागी नहीं हो, फिर हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? शंकर जी की कृपा से लोग बड़भागी नहीं बनते हैं। हाँ, फिर किसकी कृपा? रामेन जी की कृपा से लोग बड़भागी। अच्छा, रामेन जी की कृपा। हाँ, शंकर जी की कृपा होए चाहे ना होए, केवल राम जी की। तुम्हारे हाथ है काटेंगे बेटा सीधे। हाँ, ये हाथ बहुत चल रहा है तुम्हारा, कुछ ना कर पाइयो। और काटे छाटे के सिवा और कुछ ना कर पाइयो। और बिल्कुल राजा झट इंद्र बराबर राजेंद्र गुण संधि, जो राजाओं के भी राजा महाराजा है वो भी यही है कहीं। भाई हमारे आ गए श्री राजेंद्र जी पांडे, आपकी ओर से सिमौरा निवासी हैं, आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी सरकार कृषि चरणों में दस मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहते हैं कि गुरुदेव जी की जब कृपा होती तब लोग बड़भागी बनते हैं। नहीं, फिर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, सिद्धांत रामचरितमानस से ही दे रहा हूँ। रामचरितमानस में एक सिद्धांत आया है, एक भक्त कहता है, क्या कहता है कि राम जी की कृपा से मैं बड़भागी बना हूं, और राम जी की कृपा से मैं बड़भागी कैसे बना हूं? तो बोल दीजिए पहले ठप्पल स्वामी जी। सबसे बड़े बड़भागी तो आप ही हैं, और आप यहाँ आ गए तो मैं समझता हूँ कि ये सारे भक्त बड़भागी बन गए। जय हो, बहुत बढ़िया बात। आप दोनों श्री परशुराम जी भी, ये भी अवतार में हैं। चौबीस अवतारों में एक अवतार परशुराम जी का, एक अवतार यहाँ जो इस गद्दी का निर्वहन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी एक अवतार, इनके बड़े भैया जो आए हैं जिनका सानिध्य इन्हें प्राप्त है, और आप इतने बड़े बड़भागी जो हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर के जनहिताय अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपकी ओर से श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास स्थान में आपने सम्मान स्वरूप ये 11 मुद्राएं भेंट किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय श्री हनुमान। अवतार भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। परमात्मा का अवतार होता है, जीव कोट के प्राणियों का भी अवतार होता है, लक्ष्मण भी अवतार कोट का है। लक्ष्मण के लिए भी कहा गया है, शेष सहस्रो शीस जग कारणो सोई अवतरो भूमि भय। तो अवतार भी कई प्रकार का होता है। हमारी इनकी चर्चा चल रही थी बड़भागी शब्द से, बड़भागी। तो हमने कहा कि जो बड़भागी शब्द है वो बड़भागी लोग जब तक राम जी कृपा नहीं होती है तब तक लोग संसार में बड़भागी नहीं बनते हैं, और राम जी की कृपा है। राम जी के पास से बड़भागी कैसे? एक सिद्धांत भी पढ़ रहा हो कि तुमो रामो, कि तुमो रामो दीन है अनुरागी, आयहु मोहि करने बड़भागी, आयहु मोहि करने बड़भागी। देखो बेटा बड़भागी बहुत होंगे। अच्छा, लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा है। अच्छा, राम जी जैसा प्रेमी
और राम जी जैसा सेवक उनका कोई नहीं है। कौन है? हनुमान समो नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। जितने लोग समाज में बैठे हैं ब्याज जी, सब लोग एक बार अब ताली बजाओ। हम बता रहे क्यों, क्योंकि हमारा इनका पक्ष बदला हुआ था अभी तक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी तक पक्ष बदला हुआ था, लेकिन इन्होंने अब हमारे पक्ष की बात कर दिया। तो अपने पक्ष में लड़ ले। अब हमारे पक्ष में आ गए। बिल्कुल, अब तमाम परिक्रमा कर ले। इन्होंने कह दिया परिक्रमा कर भागी। और कौन? दोपहर का सूर्य इधर और सूर्यवंशी राजकुमार इधर। तभी तो आ गए पंडित सूरज कुमार जी महाराज। और पंडित श्री सूरज कुमार जी महाराज जो सिमौरा निवासी हैं, आपकी ओर से लक्ष्मण जी सरकार के चरणों में दशमुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं 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 श्री योगेश कुमार पुत्र हरछठीलाल जी चौहान, आपकी ओर से 101 मुद्राएं श्री बजरंगबली बालाजी के श्री चरणों में और 11 मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट किया है। योगेश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए ये भैया जो है घर पर सेवा भी करते हैं और धन भी देते हैं ऐसे भक्तों को। भगवान उनकी सदैव रक्षा करे। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए राम जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर होती है, और जब भक्तों पर राम जी की कृपा हो जाती है तो वही प्रभागी हो जाते हैं। वही बात महात्मा परशुराम जी ने भी कह दिया कि बड़े भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि नाना। तो ये हो गए बड़े भागी। जिस पर राम जी की कृपा है वो बड़े भागी। राम ताज कारण तनु त्यागी तो हरिपुर गया परम बड़ भागी। अच्छा ब्याज जी, ये तो हो गए बड़ भागी। बड़ भागी की चर्चा चल रही है। संसार में सबसे बड़ा अभागी को आए। अब अभागी बचे रहे सब तो निपट गए। राम जी की कृपा आए तो है बड़ भागी। जिन पर राम जी की कृपा नहीं है वो है सबसे बड़े अभागी। लेकिन और राम जी की कृपा क्यों नहीं, क्यों नहीं? जो राम जी के चरणों के प्रति लीन नहीं रहते हैं, अब विषयों में हमेशा लीन रहते हैं। विषयों में राम जी के चरणों पर लीन नहीं रहते, विषयों पर लीन रहते हैं, वही संसार में सबसे बड़े अभागी बताए गए हैं। तो एक बार भगवान शंकर ने यह शब्द का प्रयोग किया था कि संसार में अभागी कौन है, तो बताया गया कौन अभागी है। भक्तों देखिए लखनलाल जी के द्वारा बहुत बड़ी चेतावनी है जीवों के लिए। जीव के लिए फिर से एक बार आप बता दीजिए हम आपको क्यों। अभागी कौन कौन आए सुन लियो। जो विषयों में लीन रहते हैं, प्रातः काल उठ करके। अच्छा समाज में इतने कितने लोग होंगे जो प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं। जरा हाथ ऊपर कीजिए, एक नई बात फिर से। बहुत सुंदर। हाथ ऊपर कीजिए जितने लोग अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं। जितने लोग माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, जितनी बहुएं सास ससुर के चरणों को स्पर्श करती है। बड़ा ही सुंदर शिक्षा प्रस्तुत निकला। माता पिता है हमारे कौन यहाँ अंकल आ गए थे ज्यादा लोग हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी की ये कृपा प्राप्त हुई है श्री लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में 50 मुद्राओं से। भाई बहुत बहुत शुभकामना। अगर माता पिता नहीं है, अगर माता पिता नहीं है तो एक उपाय और कर लिया जाए। अगर माता पिता नहीं है तो उनके लिए क्या कहा गया, परमात्मा के अंदर सबका दर्शन करो, परमात्मा का ध्यान करो प्रातः काल उठ करके। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, हे परमात्मा आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, सब कुछ है। तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या देविनम तुम्हें वो सर्व मम देव देवा। तो अगर माता पिता नहीं है
तो परमात्मा के अंदर माता पिता का स्थान दीजिए, परमात्मा के अंदर माता पिता को बात दीजिए नेत्र बन करके, क्योंकि हमारे भैया राम जी के यही संस्कार है। हमारे भैया राम जी के संस्कार क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा अम्मा ते पिता गुरु ना वही माथा। अब आज का समय ऐसा बिगड़ गया है भाई, माता पिता के चरणों को स्पर्श तो करें, लेकिन हमारो माता पिता तो पहले अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें। हमारे बालकों के अंदर संस्कार कब आएंगे? जैसा देखेंगे वैसा ही संस्कार आएंगे। अगर हमने अपने माता पिता को चरणों को स्पर्श नहीं किया है, तो आने वाली पीढ़ी में जब हमारे बालकों का जन्म होगा तो भी हमारे चरणों का स्पर्श नहीं करेंगे। तो ऐसे संस्कार मत लाइए। अब ऐसा समय बदल गया है, राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। अब आज का समय हुआ व्यास जी बदला धरातल, तो क्या हुआ? प्रातः काल उठ के रघुनंदनो अम्मा ते पिता को मारही। ऐसा ना ला। अच्छा ये किसके पर, किसके लिए लागू होगा? रुकिए, पर भागी वाला अभी रुकिए, सुनो भैया पूरी बात सुना। अगर तुम बोल सकते तो हम भी बोल सकते हैं। आपकी कोई विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, विरोध की बात नहीं, तुमने उपदेश दिया। पहले हमारी चर्चा सुन लीजिए, अपने क्रम में बोला। नहीं अपने क्रम नहीं, तुमने थोड़ा दृष्टांत दिया। अभागी की बात चल रही तो वहाँ से हमने जोड़ा था। नहीं नहीं, अगर तुमने कहा माता पिता, थोड़ा सुनो, अच्छे धैर्यता से सुनो। नहीं, अगर आप एक घंटा बोल सकते तो हम भी बोल सकते हैं। घंटा बोलो चाहे जितनी देर जोलो, निमेश कल तो जितनी देर बोलो। समय बना के चलिए। अरे हम बोले, हाँ हमको ऐसे बाबा नहीं बनता, धर देंगे तो हाथ दिखाओ। बहुत ही सुंदर ज्ञान रूपी चर्चा चल रही है, और इसी ज्ञान रूपी चर्चा से आप और हम सभी लोग पुष्पित एवं पल्लवित हो रहे हैं। इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं हमारे बड़े भैया विनय कुमार शुक्ल जी, जो कि आप भागवत कथा में आचार्य के यानी बहुत ही अच्छे आप अभिनय करते हैं, यानी आचार्य पद पे हैं। आप पड़ोसी ग्राम से यहाँ पर पधारे हुए हैं और बहुत ही भरपूर आनंद ले रहे हैं। आपने दोनों महान विभूतियों के चरणों में क्रमशः 21-21 पुष्प सुमन अर्पित किए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षण बोलेंगे, इसके बाद में आप बोल लीजिएगा। तो अभागी की चर्चा चल रही थी, तो अभागी कौन है संसार में? तो भगवान शंकर ने बताया था, सुनहु उमा, सुनहु उमा ते लोगे अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि होये विषय अनुरागी, हरि तजि होये वो विषय अनुरागी, हरि तजि होये विषय अनुरागी। संसार में वही सबसे बड़े अभागी माने गए हैं। हमने अभागी बता दिया व्यास जी, हमने अभागी बताया है, और अभागी से भी ज्यादा खतरनाक होता है अभागा। अब आप अभागा बताएं। अच्छा इन्होंने कुछ बातें रखी, कह रहे हैं आज का समाज ऐसा है कि वो प्रातः काल माता पिता के चरणों को छूना नहीं चाहता है, उनके ऊपर लाठी चटकाना चाहता है। बेटा ये संस्कारों की बात होती है, जहाँ संस्कार मर चुके हैं वहाँ ऐसी संस्कृति हो सकती है, लेकिन जहां संस्कार जीवित है वहां आज भी ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। ये दृश्य होगा कब? तो शास्त्र ने कहा, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता, न शोभितो सभा मध्ये हंस बक्को बन मध्ये बको यथा। जो माता बैरी है, पिता शत्रु है, जो अपने बालक को अच्छी शिक्षा नहीं देता, जो माता पिता अपने बालक को संस्कार नहीं देते, वो शत्रु के समान है, बैरी के समान है। क्योंकि वो बालक अगर विद्वानों की सभा में जाएगा तो वैसा शोभित तो होगा जो हंसों के सभा में जिस प्रकार बगुला सुशोभित तो हो। सुंदर दर्शन यहाँ भी तीन का, माता पिता और संतान, तीन का आनंद फिर यहाँ भी तीन का ही दर्शन हुआ, माता पिता और संतान। फिर आ गए त्रिवेदी जी, ताऊ जी हमारे, और तीन पर ही आते हैं त्रिवेदी जी, जब तीन पर चर्चा होती है। श्री ताऊ जी महाराज त्रिवेदी जी की ओर से दशमोत्तराय श्री परशुराम जी के श्री चरणों में, दशमोत्तराय श्री लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में,
और 10 मुद्राएं आपने व्यास स्थान में भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं हरि तज हो विषय अनुरागी, बेटा अगर जीव संसार में है तो कहीं ना कहीं वो विषय में फंसा हुआ है, क्योंकि पांच प्रकार के विषय हैं रस रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, और व्यक्ति ये पांचों का प्रेमी होता है। किस प्रकार व्यास जी? आली पतंग अरुमीन गज जले एक ही आच, और तुलसी उनकी को कहे जिनके लागे पांच। अली अली माने भौरा, भौरा काहे का प्रेमी होता है, भौरा रस का प्रेमी होता है। महाराज कमल से रस को लेने जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, कमल बंद हो जाता है, वो भौरा विचार करता है। आगे लक्ष्मण के साथ ही हैं, अभी तक यह हल्ला मचाए रहा है, अभी लागा सभी बच्चे भाई शांति का सहयोग दें। हाँ, इनका चंद्रमा दिन में उदय होते, विचार कीजिए। अली माने भौरा कमल से पराग लेने जाता है, कमल बंद हो जाता है, भौरा विचार करता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी कमल खिलेगा, मैं पराग से महाराज रस को लेकर सोच रहा था, वहीं एक हाथी आया, कमल को उखाड़ा, अपने पैरों में रौन दिया तो महाराज मारा गया। किसके चक्कर में मारा गया? रस पतंग, पतंग पतंगा किसका प्रेमी होता है? रूप का प्रेमी होता है। आप दीपक जला दीजिए, उस दीपक में वो पतंगा चारों ओर घूमते घूमते उसी में जलकर अपने प्राणों का प्राणांत कर देगा। किसके रूप में मारा गया? रूप के चक्कर में। अली पतंग मृग मीन गज, मृग मृग माने हिरण, कहे का प्रेमी होता है? सप्त का प्रेमी होता है। महाराज मृग को पकड़ने वाले बीड़ा को बजाते हैं, बीड़ा के शब्द को सुनकर पी लो बेटा पानी, बाबा के आगे अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। बताइए जितना पानी है सुना तो। हाँ सुनाओ। देखो जितनी ये ताली बज रही है ना, ये सब रामन नाम की तालियां हैं। अब जोड़ लो, परशुराम के नाम की ताली नहीं है। हाँ, जितनी तालियां संसार में होती है, राम कथा, ये राम जी की कथा चल रही है कि परशुराम जी की कथा चल रही है? राम जी कथा चल रही है। और राम जी की कथा को सुनते सुनते अगर किसी प्रकार से संशय रूपी पंछी बैठ जाता है तो ताली बजा देने से उड़ जाता है। राम कथा सुंदर करतारी तो संशय बिहग उड़ावन हारी, इसलिए राम के नाम की फिर ताली सब लोग बजाओ। वाह, बहुत सुंदर ताली बजवा रहे हैं। तो देखो मृग, मृग शब्द के उसमें मारा गया, बहेलिया ने बीड़ा बजाया, शब्द सुना, बाण मारा, समाप्त हो गया। मछली, मछली स्वाद की प्रेमी होती है, मछली पकड़ने वाला महाराज कांटे में लगाता है उसको पकड़ लेता है। तो आली पतंग मृग मीन गज जले एक ही आच, और तुलसी उनकी को कहे जिनके लागे। मनुष्य पांचों का प्रेमी होता है। मनुष्य अच्छा रस चाहता है, अच्छा सुगंध चाहता है, अच्छा रूप देखना चाहता है, अच्छा संगीत सुनना चाहता है, तो मानव को कैसे बचाया जा सकता है बेटा? बहुत सुंदर समाज, माताओं बहनों का भी बड़ा सुंदर सहयोग। आप लाइव धर्मशाला चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ग्राम सिमौरा में आयोजित दो दिवसीय भगवान की पवित्र लीला का मंचन, जिसमें धर्म पाठशाला चैनल है, धर्म पाठशाला चैनल के अंतर्गत, जिसमें आज लक्ष्मण परशुराम जी का बड़ा ही भयंकर संवाद प्रस्तुत हो रहा है। धर्म पाठशाला चैनल के प्रोप्राइटर हमारे भाई विनय जी शर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्री ठाकुर जी की ओर से ये 10 मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी सरकार के श्री चरणों में बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अब आगा संसार में एक है। अच्छा है। कौन है? कौन है? अपना आदमी है। ले ओ। का ले ओ? अपन आदमी है, हमारे की तुम्हारे? भगवान शंकर का भक्त है। अच्छा, भगवान शंकर का, इसलिए ठीक। कौन है?
नाम न लेवाओ नहीं बता दो। रावण जपाही क्या अरे अब सुनाओ। रावण जपाही विभीषण त्यागा तो भयउ विभव बिनु तबाही। बेटा वही अभागा है बने रहने जो न भागा तो बना रहा है अभागा भी राम जी की कृपा से तर जाएंगे तभी जाएंगे। जब राम जी कृपा होगी ना तो जो ना भागे हैं वहाँ भी तर जाएंगे। राम जी तो बहुतों को ता देंगे तुम किसको तारोगे। देखता नहीं पिप देख बाबा तो छन्नम बजा चखा देता और भाग मिटा देता मन के जो परसे की जात भुला देता या छिंता धनुष पार परसा या करके घनघोर दिखा देता उछल उछल के पद चलाना मुनिवर तुम्हें बुला देता चुटकी में मार के दिखा देता तो नंदन पड़ी देखो पीठ दिखा दिया ना और जिसने पीठ दिखाया फिर हमने उसको मारा तो सत्य नंदन पर नंदन में चली है भग नंदन को प्रसाद बनता है तो यहाँ ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मची है रवशंकर में समय भयंका है और माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज अब जहाँ महेंद्रा चल बजा कर भगना समझ जाओ कहने से वरना ये दांत खत्ते पड़ाऊंगा बड़ी शान से आए थी खीमे समा माई क्यों नपना तो छल में मिटाऊंगा ऐसा सर बार धारी कोप करी बाबा जो सत्तुओं की सोरी की गंगा बहाऊंगा आए ती न करो सपत तुम्हारी है अस्त छोड़ लखन लाल ही कहाऊंगा। अरे है पिना की याद तोड़ा है पिना जाने तके भुलकंड का बहाऊंगा। ये जाने कितने आए बाबा ये जाने कितने आए बाबा ये थोर खवंदी काले मिट्टी में उन्हें मिला दिया जो पड़े लखन के हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे और ज्यादा करोगे ना बेटा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। तुमने यदि अठानी है तुमने यदि अठानी है तो मैंने भी अठानी है अब आज प्रकट कर दूंगा कि दूध में कितना पानी है। अब मेरे भी मन भाया है पता चल जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध। जानकी चनाई चांद जागे जागे सो जानकी चनाई चांद जागे जागे सो हेलो बोलिए लखन लाल की। और प्रभावित हुए देखिए बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। लखन लाल जी श्री भार्गव जी देखिए हरी हर एक है दोनों ब्यास जी हरी हर एक है दोनों न ये कम है न ये कम हरी हरो है दोनों एक मिनट और अच्छा। देखिए सीताराम शुक्ल कबीरपुर उनके कर कमलों द्वारा दोनों युगल सरकारों के चरणों में 11-11 पुष्प मुद्रा सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए राजाराम चंद्र की बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए एक प्रस्तुति ब्याज जी आ गई है तो उस प्रस्तुति को पूर्ण करे दे रहे हैं। बहुत बहुत हाँ ये प्रस्तुति हमारे भैया ने कहा हरी हर एक है दो। और हमारे भैया श्री मनोज भैया जिनकी सेवा अद्वितीय है अकथनीय है रात भर सेवा करते रहे हैं भाई मनोज भैया की ओर से भी 20 मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी सरकार के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो ये प्रस्तुति अवश्य रूप से होगी। और लखनलाल जी बहुत 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 सुंदर प्रसंग आपका चल रहा है। हमारा कहना है आप इसीलिए हमने याद दिलाया हरी हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है और कहना है कि जहाजों को जो दरिया में डुबाए उसे तूफान कहते हैं और जो सिमौरा की रामलीला में आ जाए उसे भारत का जवान कहते हैं। अरे वाह बहुत सुंदर आज से पढ़ लेते हैं क्या बात आज से पढ़ लेते हैं आजाद की आजादी की शाम नहीं होने देंगे। आज से पढ़ लेते हैं आजाद की आजादी की शाम नहीं होने देंगे। अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे जब तक है शरीर में कर्म लहू का एक बूंद भी बाकी तब तक भारत माता का आचल नीलाम। क्या बात और लखनलाल जी जो वक्त को समझा नहीं जो इस वक्त को जो आज चल रहा है जो इस वक्त को समझा नहीं
उसको है मिटना पड़ा और बच गया तलवार से तो फूल से कटा। क्या करने आए थे हम, क्या करने आए थे हम और क्या क्या कर बैठे, क्या करने आए थे हम और क्या क्या कर बैठे। संसार में हमारा आपका जो जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है, क्या अपने अपने स्थानों को लड़ने के लिए, नहीं, क्या करने आए थे हम और क्या क्या कर बैठे। धर्म के नाम में आपस में लड़ बैठे, क्या बात, हमसे अच्छे तो है वो परिंदे जो कभी मंदिर और मस्जिद पर जा बैठे। जो लखनलाल जी जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती परशुराम जी रसधार नहीं, क्या बात, जिसमें बहती रसधार नहीं और वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको रामलीला से। देखिए पत्थर किसका होता है, पत्थर न होना चाहिए, परमात्मा के चरण बिल्कुल समर्थन होना चाहिए, बिल्कुल परमात्मा के चरणों के प्रति लेन होना चाहिए। आघात आंधियों के, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़े मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। और इसी ओतप्रोत वाणी से प्रभावित हुए आप हैं हमारे बड़े भैया विनय कुमार शुक्ल जी, जो कि आप पड़ोसी ग्राम से पधारे हुए हैं और आचार्य के रूप में आप कर्म कांड मर्मज्ञ हैं। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के चरणों में 21-21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। भैया जी को धन्यवाद। तो आचार्य जी के हरी हर एक है दोनों। आचार्य जी, आचार्य जी, बहुत सुंदर बात एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ चाल लाइन की। वक्त आने दे कभी बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे। वक्त आने दे कभी बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे। इसलिए मानव जीवन में रास्ता देख कर चल रही, वरना ये सुन ले कि गुंगे पत्थर भी सवालात करेंगे तुझसे। हाथों में परस नहीं, एक क्षण अब इनके लिए कहना है, हाथों में परस नहीं आंखों में पानी चाहिए, हाथों में परस नहीं आंखों में पानी चाहिए, और बाबा हमको भी दुश्मन खानदानी चाहिए। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान गोविंद मिश्रा जी आरो वाले, जो कि आप खंबापुर फतेहपुर से धर्म पाठशाला पर लाइव प्रसारण में आनंद ले रहे हैं। आपने दोनों महान विभूतियों के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि धन्यवाद। देखो स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल ले। और उजागर भैया जो पता से पधारे हैं, उन्होंने 11 रुपए श्री भार्गव जी के चरणों में और 11 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में सप्रेम भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और लखनलाल जी, हमारे महाराज जी के द्वारा सीताराम शुक्ल के लिए ये आशीर्वाद स्वरूप 11 पुष्प मुद्रा सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद और उनसे आशीर्वाद की कामना। जय हो पंडित जी की, जय हो पंडित जी, महान है और बालकपन से हम देखते चले आए पंडित जी इसी मार्ग में है। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे, संतों की सेवा इसी तरह करते रहे, हम यही सद्गुरुदेव हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। और इसी क्रम में हमारे इसी गांव के श्री जोला भैया जी सहयोगी हैं, जो कि एकादश मुद्रा आप लोगों के लिए और 151 मुद्रा लीला के सहयोग के लिए उन्होंने दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो ब्याज जी, हमारे आचार्य जी ने हरिहर का शब्द का जो प्रयोग किया था वही आला सुंदर गीत दो चार पंक्तियों में आपको बोलना तो बोल लीजिए, नहीं चार पंक्तियां बोले। नहीं, आपने बहुत मेहनत किया है, आपको ज्यादा नहीं छकाएंगे भाई, उतना परेशान न करो, पैसा हमने कुछ दिया नहीं। स्वामी जी बस ये कविता लगाएंगे, इसके बाद में सुंदर सीन लगाएंगे, क्योंकि गर्मी का महीना है जी, 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 ये परमात्मा का स्वरूप भले ही धारण किए इसमें भी परमात्मा की शक्ति आ जाती है, उन्हीं की शक्ति, लेकिन हम लोग भी आप लोगों की तरह जीव कोट के प्राणी है जी, उन्हीं की ऊर्जा। बस बस बस, तो ये गीत हो जाए, इसके बाद में सुंदर सीर लगाइएगा ब्याज जी, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा हो गई है। ये अब हरी हरो, ये हरी हरो एक है दोनों। ये बात कब आई जी, एक पक्ष में भगवान शिव भक्त श्री परशुराम जी और एक पक्ष में श्री हरि भक्त लक्ष्मण जी,
इस पर विवाद हुआ। ये कहते हैं राम बड़े हैं, श्री हरि बड़े हैं, परशुराम जी कहते हैं शंकर जी बड़े हैं। इसका समाधान लक्ष्मण जी ने निकाल लिया पंडित जी का संकेत और इस कविता की पूर्ति श्री लक्ष्मण जी के द्वारा। क्योंकि श्री राम जी भगवान, देखिए श्री राम जी भगवान शंकर के सेवक भी हैं, श्री राम जी भगवान शंकर के स्वामी भी हैं और श्री राम जी भगवान शंकर के सखा भी हैं। जय हो, जय हो। इन दोनों में श्री राम जी और शंकर जी में तीन प्रकार का संबंध है। सेवक सखा स्वामी सियपी के तो हित निरुपधि सब विधि तुलो सी के। अब ये तीनों संबंध प्रकट कहाँ होता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जहां पर तीनों संबंध प्रकट होते हो, तो वो स्थान कौन सा है? अब विनती मम सुनहु शिवो जो मो पर निज ने हो तो जाओ बिबा बहु ये सैल चही यही मोही मांगे दे। यही पर तीनों संबंध प्रकट है। जो जो तो ये हरिहर, हरिहर कैसे? ये हरि हरो एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरो एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। क्यों कम नहीं? ये रहते क्षीर सागर में वो रहते हिमालय में, वो रहते हिमालय में ससुर घर। देखिए भगवान विष्णु जी की ससुराल क्षीर सागर, क्या कहें, और शंकर जी की ससुराल हिमालय में, लेकिन रहते कहाँ हैं? ससुर घरो दोनों रहते हैं, है न ये कम है न वो कम है। हरी हरो देखिए ससुराल में तो रहते, लेकिन कहा दोनों अपने ससुर की मानत है? मानत नहीं आए, दोनों एक से बढ़कर एक है। अब दोनों अपने ससुराल में रहकर ससुर के साथ में बर्ताव कैसा करते हैं? इन्होंने सिंधु को डांटा, सिंधु को कैसे डांटा? विनय न मानत जलध चढ़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने वो दक्ष सिर काटा, उन्होंने वो दक्ष सिर काटा ससुर का। ससुर का वो ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम। देखिए ससुर के घर में तो रहते हैं और ससुर के घर में रहेंगे तो श्रीमती जी की बात तो उनकी श्रीमती वाली बात बहुत अच्छा है। श्रीमती वाली हमारी और शादा तो अगर श्री हाँ पहचान कहीं का तो श्रीमती हो जात तो आज इतना हल्ला न मचा। उमा की बात ये माने और रमा की बात वो माने, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पा वनी गंगा। तो प्रिया का मान रखने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। देखिए दोनों लोगों के द्वारा
नारियों के साथ में व्यवहार कैसा किया जाता है, अपनी नारी नहीं नारी, तो नारियों के साथ में व्यवहार दोनों का कैसा है। उन्होंने अहिल्या को तारा, इन्होंने अहिल्या को तारा, उन्होंने गंग सिर धारा, उन्होंने गंग सिर धारा, नारिका नारिका ये नारी का सम्मान रखने में न ये कम है न वो कम है, हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम। कभी रचना कर रहा था लेकिन यहाँ उसकी लेखनी रुक गई, क्यों? भोलेनाथ भांग पीते हैं, ये पीते भंग का प्याला, भोलेनाथ भांग पीते हैं, तो क्या राम जी भी भांग पीते हैं? तुम पियो ही कह पिए नहीं, हमारे चक्कर में तक पर हम पी लेंगे तो हम कुछ असर भी नहीं करेगा, और अगर तुमने पी लिया तो इधर उधर भवत रही हो बेटा, या चक्कर में ना रहो, नहीं चक्कर से थोड़ी है, नहीं या भगवान शंकर के शिष्य या कतो जीवन हम ना सोचे कि भगवान शंकर भांग पी, अच्छा भांग पीने वाले तो लोग मिल जाएंगे चलो पी ले, लेकिन भगवान शंकर विषो पिया थे, अब विष पिए वाले का उनके शिष्य मिलिए, अब देख लो विष वाली बात करेगा, अच्छा विष पिया भंग का प्याला, राम जी जानते हो क्या पीते हैं? वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, राम केवल प्रेम प्याला, वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, और जब पी लेते हैं तो जाना तो का हो से बाबा पी तो लीने, अब नशा छागा, और जब नशा छागा नशे में बाबा, ये भांग वाला नशा तो नहीं लग रहा, भांग वाला ना होए, ये प्रेम वाला नशे भाई, सब प्रेम वाला नशा है, नशे में नशे में नशे में, दूरी से बात हाँ देख लो, ये नशेड़ियों के लक्षण यही हैं, नशे में ये प्रेम का प्यारा पीने वाला है लक्ष्मण, ये नशे में दोनों रहते हैं, न वो कम है कम है, हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, कैसे नहीं कम, कैसे है इनके शीश पर चंदा, और है उनके नाम पर चंदा, रामचंद्र, और ब्यास जी तीसरा, दिया जिस ने नहीं चंदा, क्या बात है, अगर चंदा नहीं दिया तो स्वामी जी के पास जमा कर दीजिए, क्योंकि आपके गांव में ये कार्य साल में एक बार होता है, हनुमान जी के चरणों में अगर चंदा न दिया बचा लिया तो दिया जिस ने नहीं चंदा, तो पड़े यमराज का फंदा, क्या बात कही, दिया चंदा आया क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली, हाथ उठा के हो जाए जोरदार ताली एक बार, तो धन्यवाद, तो दिया जिस ने नहीं,
हेलो 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 आवाज नहीं, मैं बहुत सीलो आवाज, आवाज थोड़ा बढ़ा दो। और इन्हीं सुंदर पंक्तियों को सुनकर प्रभावित हुए आप हैं भाई धीरज साउंड सर्विस चुरियानी फतेहपुर से। आप धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, जिनके प्रोपाइटर हमारे बड़े भैया राकेश जी यादव हैं। आप दोनों महान विभूतियों के चरणों में 51-51 पुष्प सुमन अर्पित कर रहे हैं। भैया जी को कोटि कोटि साधन्यवाद साधुवाद। हाँ देखिए, ये हमारे जो धर्म की पाठशाला है, इनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। चार चांद की तरह इस कार्यक्रम में बिल्कुल आनंद आया इनके कार्य। और इसी सहयोग के क्रम में हमारे रामू मौर्या जी हमारे बगल के हैं, तो 201 रुपए अभी उन्होंने सहयोग राज प्रदान किया। बहुत सुंदर। और चंदा आपने उठाया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, क्योंकि चंदा से लोगों का जुड़ाव होता है। जहाँ हम चंदा देते हैं वहाँ जाते भी हैं, उसकी वो उसे अपना मानते हैं। तो ये धन नहीं, ये आपका प्रेम है। तो इसी तरह से मिलता रहे और इसी कामना के साथ आप विद्वान। बड़ी सुंदर चर्चा आई चंदा। एक बार भूतनाथ भोलेनाथ से पूछा गया कि चंद्रमा टेढ़ा मेढ़ा है और कलंकी है, लेकिन भोपड़ी में बैठाए हो, क्या ये उचित है? महाराज जी जरा ध्यान से सुनिए कि ये बात जो सूत्र प्रयोग कर रहा हूँ। भोलेनाथ से पूछा गया कि चंद्रमा टेढ़ा मेढ़ा है कलंकी है और आप खोपड़ी में धारण किए हो, क्या ये उचित है? तो भोलेनाथ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो चाहे कलंकी हो, लेकिन जो मेरे प्रभु से जुड़ा है वो मेरे लिए पूज्य है। वो चाहे जितना टेढ़ा हो चाहे जितना अपराधी हो चाहे जितना कलंकी हो, अगर मेरे प्रभु श्री राम जी से जुड़ा है तो मैं उसके सारे दोष क्षमा कर देता हूँ और उस पर अपनी कृपा कर देता हूँ। नहीं, जो है ये गीता का स्पष्ट श्लोक है, अपिचा सुदराचारो भजते मां मन निभाग। आप विद्वानों से इन बातों को सुनिए, मैं थोड़ा सा इन विषयों में कम रहता हूँ तो मेरा गला भी, लेकिन दुराचारी से भी क्यों ना दुराचारी हो, अगर वो भगवान का भजन करता है तो वो निश्चित भक्त है। दुराचार भाई कालिया का मर्दन किया भगवान ने, कालिया ने कहा क्रोध किसने दिया भगवान, अरे सामर्थ किसने दी ये विष फैलाने की, इतना ये तो सब आपका क्या, ये दिया क्यों? तो ये सब प्रभु जो जैसण रघुपत जस करें सब उनकी लीला है। तो आप लोग भक्ति के ओतप्रो रंग में रंगिए। और ये हमारे भैया श्री बड़कू मौर्या आपकी ओर से 20 मुद्राएं युगल महत चरणों में, बहुवीरी समास का प्रयोग और अगला संकेत रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः या रामस्य ईश्वरः यः सः रामेश्वरः। बहुत सुंदर बात, आप स्वयं करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने निर्णय किया था रामेश्वर में स्थापना। बिल्कुल भागवत की कथा है, भागवत की सारगर्भित बात। कहो लखन काया कहे जा रहे हो मुनि मुनि, नहीं नहीं सोच समझ के बोलना वाले बाबा, बाबे इनका सब खेल खिला रहे हैं मुनि, चढ़ाई हमारे ऊपर बोल देते हैं मुनि। अब आपे इनको अलग कराओ तो जो कुछ करा रहे हो, ये चढ़ाई हमारे ऊपर बोलते हैं। उलाहना प्रस्तुत कर दिया गया। बोले विश्वामित्र जी, इसको अगर बचाना चाहते हो तो मना करो। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि अब छोड़ दो बालक है। जब इसको देखा श्री लक्ष्मण जी ने तो कहा मुनि, बस यही तो गड़बड़ है मुनि, हेलेन से तो प्रारंभ रहा है सील। अब आप मुनि का प्रयोग आपने कर दिया था सुनी मुनि, और यहाँ फिर मुनि, अब कौन सी आए समस्या? लखना अच्छा मुनि सील तुम्हारा कौन ही जान विदित संसारा। अगर मुनि ने कहा इन्होंने तो हम संसार की बात करते हैं। आपका सुंदर सदाचार, आपका सुंदर स्वभाव तो सारे संसार में विख्यात है। क्या विख्यात है? कि माता पिता ही उरिन भगिनी के तो गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। सो जनु हमारे सो जनु हमारे सो जनु हमारे
ये माथे काढ़ा दिन चली गए दिन चली गए प्याज बड़ बाढ़ राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब आनी है ब्योहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली बाकी रहा हो गुरु का ऋण कड़े से उसको निपटाऊंगा आगे आगे सब कड़े करते जाइए और बुलावे आप ब्योहरिया को कर्जा सभी चुका दूंगा। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी। तिवारी जी आ गए आ गए आज कई जगह लीला चल रही है। सोचा कि अभी तक आए नहीं है जी कई जगह लीला चल रही है आज लाइव रात में भी आए दो तीन बार। तो आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी सिलमी खागा निवासी जो कि आप वर्तमान में बोकारो झारखंड पर CISF की ड्यूटी पर कार्यरत हैं और वहीं से धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण में इस संवाद का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आपने क्रम से प्रभु श्री राम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लक्ष्मण जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं और भगवान परशुराम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं तथा धर्म पाठशाला चैनल के लिए भी आपने 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। देखिए तिवारी जी निसंदेह एक सच्चे भक्त हैं क्योंकि धन हर एक व्यक्ति के पास होता है लेकिन हर व्यक्ति का धन कभी परमात्मा स्वीकार नहीं करते। उसी के धन को परमात्मा स्वीकार करते हैं जिसका धन विशुद्ध हो और जो धन परमात्मा की सेवा में लग जाए उससे बड़ा सौभाग्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। स्वामी जी ने एक श्लोक पढ़ा था श्रीमद् भगवत गीता का अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहम्यहम्। परमात्मा कहते हैं अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है जो सभी नातों को छोड़ करके सभी मर्यादाओं को छोड़ करके मेरा हो जाता है फिर उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। मैं उसका योग क्षेम करता हूं योग क्षेमम वहाम्यहम् यह परमात्मा का वचन है लेकिन भगवान की ओर कोई बढ़ना तो चाहे। देखिए ये बहुत सुंदर बात है स्पष्ट भगवान योग क्षेम बहन करने की बात करते हैं। हम सब लोग बहुत भक्त कहलाते हैं और भगवान पे भरोसा भी करते हैं पर भरोसा रोसा भगवान पे नहीं भूत पे ज्यादा भूत पे विश्वास है भगवान पे नहीं है। भगवान पे विश्वास हो तो मुसीबत आई नहीं आपके पास बड़ी बड़ी मुसीबतें ये वहीं चली जाएंगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखिए हमारे यहाँ पूरी रात दो दिन से लीला चली मैंने इस विषय को उठाया नहीं एकदम लास्ट में जो है ये मंदिर देखिए बना है पीछे सत्संग हाल बना है ऊपर भी बना है ये कोई विशेष भक्तों के सहयोग से ही बन रहा है और जो यहाँ थोड़ा बहुत भक्त सहयोग करते हैं उनका भी बहुत आभारी है हम और ठाकुर जी ने चाहा तो ये आपका ये भी बनेगा तो इसमें राम जानकी का जो मंदिर बनेगा उसमें भी हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा बढ़ चढ़ के एन केन भी दीन दान करें विश्वास दान करें कल्याण भगवान पे विश्वास करो और दान करके देखो क्या मजा है। देखिए आश्रम का भी एक अलग प्रभाव होता है आश्रम तो आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन जिस आश्रम में पहुंचने के बाद एक अलग अनुभूति हो उस आश्रम की विशेषता ही अलग है। साक्षात बालाजी महाराज विराजमान हैं और आप सभी सौभाग्यशाली हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा माता ही पिता ही उविन भय नीके गुरुविड़ रहा सोच बड़ जी के सो जनु हमरे माथे काढ़ा। अच्छा बताइए कर्जा कोई काढ़ेगा तो अपने माथे काढ़ेगा कि दूसरे के माथे काढ़ेगा? अपने माथे काढ़ेगा लेकिन राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है आपने कर्जा लिया वो भी हमारे माथे लिया इसका क्या कारण है? जब भगवान शंकर ने मुझको चतुर्दश विद्याओं में पारंगत कर दिया तो हर शिष्य का ये कर्तव्य है कि गुरु बाबा को गुरु दक्षिणा दे। मैंने कहा गुरु बाबा मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कहा परशुराम अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो शेषनाग के पास जाओ शेषनाग की मणि को लाओ उस मणि को मैं कंठ में धारण करूंगा।
तो मेरी विषादनी शांति होगी। मैंने कहा जो आज्ञा गुरु बाबा। मैंने परस को उठाया और शेषनाग के पास गया। मैंने शेषनाग से कहा कि अपनी मणि मुझको दे दो। लेकिन नाग को मणि बहुत प्यारी होती है, नाग किसी को मणि नहीं दे सकता। उसने कहा मैं मणि नहीं दूंगा। तो मैंने कहा मुझसे युद्ध करो। मेरा और शेषनाग का 17 दिन तक भीषण संग्राम हुआ। शेषनाग युद्ध में हारा और क्षीर सागर की ओर भागा। मैंने उसका पीछा किया और जैसे ही मैंने परस का प्रहार करना चाहा, नारद जी ने रोक दिया। परशुराम ये है क्षीर सागर। क्षीर सागर माने दूध का सागर। अगर इसमें एक बूंद भी रक्त की गिरी, एक बूंद भी खून की गिरी तो उसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा नारायण मेरे क्रोध का क्या होगा। कहा परशुराम अभी अपने क्रोध को शांत करो। त्रेता के चतुर्चरण में मैं आऊंगा, शेषनाग को लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा। तो जो कर्जा है उसको निपटा लेना। तब यहाँ कह रहा है सोजन हमरे माथे काड़ा। अच्छा सांप के भैया कान नहीं होते, आप लोगों ने सांप को देखा होगा। हाँ, ये दान की महिमा को देखते हुए भैया योगेंद्र कुमार जी 100 रुपए 101 रुपए आप लीला सहयोग दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ठाकुर जी। सांप के कान नहीं होते। ये हमारे विनोद भैया हैं, देखो इन्होंने भी 200 रुपए प्रतिवर्ष, ये भी बेचारे शरीर से। नहीं नहीं ठीक है, सब लोगों को इसी तरह सहयोग मिलते रहता है। संसार का देखिए ये पूरी लीला। सत्य ये है कि हमें पहले भले कम मिला हो लेकिन इसके पूर्व में भी खूब मिलता रहा। आज भी हमें 2-4 वर्षों से इतना मिलता है कि हमें लगाना उगाना कुछ पड़ता नहीं। वाह, ये हनुमान जी की कृपा है, बालाजी महाराज जी की कृपा है। जी संशय नहीं। और ये गांव का परम कल्याण है। जी बहुत बड़ा कल्याण है। और ये हनुमान जी का मन है इस गांव का, ये प्रेम देख के मुझे बड़ा आनंद। बिल्कुल स्वामी जी, ये कम से कम भगवान की लीला के प्रति प्रेम है लोगों का। ये हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी खींच के लाते हैं। जी जी तभी तो यहाँ है क्योंकि हनुमान जी खुद ही आते हैं। जी जब व्यास जी चौपाई लगाते हैं आइए पवन कुमार, तो हनुमान जी आकर बैठ जाते हैं। चार और आते हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, क्योंकि इनको नशा है। कि काहे का नशा है, आज कल वाला नशा नहीं, कथा रूपी नशा। आशा असन व्यसन यह नहीं, और रघुपति चरित हो तहां सुनहीं। ये उनकी महाराज विशेषता है। देखिए हनुमान जी राम कथा के पायक हैं और राम जी राम कथा के नायक हैं। और हनुमान जी के प्रांगण में ये लीला होती है। देखिए व्यक्ति के जीवन में चाहे जितने बड़ा संकट आ जाए, एक बार प्रेम से हनुमान जी का नाम लीजिए, बड़े से बड़ा संकट आपका दूर हो जाएगा। एक बार महाराज प्रयाग का बहुत बड़ा पर्व पड़ा और प्रयाग में देव धनुज किन्नर नव श्रेणी साजव मज्जई सकल त्रिवेणी सभी स्नान करने आते हैं। राजस्थान से एक सेठ जी और सेठानी भी आई। अब प्रयागराज के कुंभ के मेले में सेठ जी की सेठानी कहीं खो गई। अब सेठ जी के हृदय में चिंता व्याप्त हुई। जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो वो चार बल का प्रयोग करता है, अपबल तपबल और बाहुबल और चौथो है बलदाम। अपबल अपने बल का प्रयोग करता है, तपबल अपने प्रभाव को दिखाता है और बाहुबल अपने भुजाओं के बल को दिखाता है, चौथो है बलदाम। जब कहीं से काम नहीं बनता तो वो दाम को लगाता है। लेकिन ये जब दाम भी निष्फल हो जाता है तो सूर किशोर कृपा सो सब बल हारे को हरि नाम। तब जाकर परमात्मा की याद आती है। सेठ जी ने देखा कि सामने राम जी का मंदिर बना है और वहीं उसी के सामने छोटा हनुमान जी का मंदिर बना था। सेठ जी ने लड्डू का थाल सजाया और राम जी के मंदिर में पहुंच गए और राम जी से निवेदन करने लगे। ब्याजी धर्ज उनका बाद में सुधिया। अब की जय कृपा रघुनायक जू घर नीक लगे ना बिना घर नीक। हनुमान जी के पास पहुंच गए। कहा राम जी अब कृपा कर दीजिए, बिना श्रीमती के घर अच्छा नहीं लगता। तो हनुमान जी वाले पुजारी जी को पता था कि सेठ की सेठानी हेरा गई है, उसी को ढूंढने के लिए सेठ आया है। तो पुजारी जी ने कहा थाल उठा एक लाओ यहाँ
मुख देखा चाहो जो अपनी पत्नी के, जो लड्डू का थाल लगाए बैठे हो ना वहां से यहां लाओ, और हनुमान जी से विनय करो कपि नंदन से तुम विनय करो, कर दई है कृपा ये लला अंजनी के, वहां जो खड़े हो ना तो तुम्हारी का पता बताई है कहां, ये पता न लगाए सके अपनी के। मैंने राम जी से कहा वहां काम नहीं बनेगा क्योंकि जानकी जी का पता तो हनुमान जी ने लगाया है, वहां काम बनने वाला। हाँ, इसी क्रम में ये ओंकार जी आ गए जो एक से एक चंदा के रूप में दे रहे हैं। भाई आपके चंदा के नाम से भी लोग आने लगे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब देखिए सेठ जी को बात में विश्वास हो गया, गए हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाया, और जैसे हनुमान जी के परिक्रमा लगाने लगे सामने से सेठानी दौड़ती हुई आ गई। महाराज हनुमान जी ने मिला दिया, जितना अच्छा कार्य हनुमान जी ने मिलाने वाला किया है उतना अच्छा संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया। सुग्रीव को राम जी से मिला दिया, विभीषण को राम जी से मिला दिया, तो हनुमान जी के प्रांगण में लीला हो रही है, और आप सभी बड़भागी हैं जो इस लीला के दर्शक बन रहे हैं। और ये लास्ट में देखिए हमारे भगत जी हैं, लगभग प्रतिवर्ष देते हैं 151 रुपए लीला का सहयोग, धर्म भैया पहाड़पुर निवासी यादव जी, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ऐसे भक्तों, भगवान सदैव भंडार भरे। तो आप सभी बड़भागी हैं। और बात आई व्यवहारी की, तो यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं ये सब हमारे व्यवहारी हैं, क्योंकि जितने व्यवहारी बचे हैं वही बचे हैं बस, और जितने दिखावती रहे वही चले गए स्वामी जी, जी, जितने बैठे हैं ये सब हमारे व्यवहारी बैठे हैं, यथार्थ वाले व्यवहारी हमारे बैठे हैं, क्योंकि जो राम जी का अनुरागी है वही संसार में। लोगों से कहो कि रामलीला देखें चलो, लोग कहेंगे महाराज फुर्सत नहीं है। भैया अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन अयोध्या के एक संत हुए नारायण दास जी, उन्होंने कहा अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन नारायण जब आई कहे जम पकड़ेंगे बाह, यमराज के दूत हमारे हाथ को पकड़ लेंगे और कहेंगे चलो, तो कोई कहेगा क्या ये सीजन की फसल आ जाए तब चलेंगे, कोई कहेगा क्या इस माह की तनख्वाह आ जाए तब चलेंगे, महाराज आवे परवाना तो चले ना। नारायण जब आई कहे जम पकड़ेंगे बाह, तो उन से कही दीजिए कि हम ता फुर्सत। तो आप सभी राम जी के कार्य में लगे रहे, और आप सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है। आइए स्वामी जी, आप लोग भी आइए, जो भी भक्त हैं भाई, बहुत बड़ी सेवा की है हमारे पाक शास्त्रियों ने, रसोई बनाया सिद्ध किया और बड़े ही सुंदर ढंग से प्रसाद पवाया, रात भर चाय बनाई। आओ भाई मनोज जी, समाज की व्यवस्था को भी संभाला और धन का भी सहयोग दिया, और अभी भी आप सहयोग स्वरूप बैठे हैं। जी अवश्य व्यास जी, यहाँ के सबसे ज्यादा जो भी भक्तगण हैं उनका धन्यवाद अदा करना ये चाहेंगे कि लीला तो हर जगह होती है, लेकिन जो यहाँ के दर्शकगण हैं, माताएं बहने हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर सहयोग किया है, हमें रात्रि भर बराबर निरंतर देख रहे थे, और अभी भी बराबर सभी यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी ऐसे भक्तों को जो आज भी आपके अंदर कुछ ना कुछ लीला के प्रति प्रेम और अनुराग बना हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये आप बहुत अच्छा हुआ, धर्म की पाठशाला आप यहाँ ले आए, और ये बहुत अच्छा लगा, एक जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है, और ये भगत हमारे वास्तव में धर्म की पाठशाला से जुड़े हुए लोग हैं, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये अप्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। भैया सभी लोग इसी तरह से भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव।
सभी लोग सुखी रहें, निरोग रहें और इतने संपन्न बने कि जिन्होंने 500 दिया हो वो 1100 देने की क्षमता तक पहुंचे। देखिए सभी भगवान उसे वहां तक पहुंचाएं। सभी भक्तों ने अभी तक बराबर सहयोग दिया है तो सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग अभी थोड़ा सा समय अपना और दें, क्योंकि अभी प्रभु श्री राम जी की बहुत ही करुणमय वाणी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो आप सभी लोग अभी बैठे और प्रभु श्री राम जी, विनय जी, जहाँ पर देव स्थल की लीला होती है, व्यास जी हमने तो एक यही हमारे भाव है, जहाँ पर देव स्थल की लीला हो उस स्थान पर प्रभु श्री राम जी को ज्यादा रुलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर देव स्थल की लीला हो, हनुमंत लाल जी का ऐसा स्थान हो, उस स्थान पर श्री राम जी के द्वारा ज्यादा करुण किंदन नहीं करवाना चाहिए। वाह कई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी लोग तालियां बजाएं भाई। आप ऐसी चौपाइयों का प्रयोग कीजिएगा जिसके द्वारा राम जी के द्वारा करुण किंदन ना हो, क्योंकि राम जी के भक्त भी बैठे। एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ मंच का ही, मैनपुरी, मैनपुरी जहाँ मैं 7 साल गया हूँ महाराज, वहाँ राम जी लक्ष्मण शक्ति में भी विलाप नहीं करते, ये लोक मान्यता है मंच की। बिल्कुल, श्री राम जी परशुराम जी के सामने विलाप नहीं करते, ये लोक मान्यता है वहाँ उस मंच की। कारण कि अगर राम जी रोने लगे तो हमारा आपका क्या होगा, हैं? आप चौपाई परशुराम जी की लगाएंगे, कौन सा? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लक्ष्मण जी के भाव। और देखिए हमारे भैया श्री मनोज भैया, राम जी कहेंगे छूते हैं तू, बिल्कुल कहेंगे। श्री मनोज भैया आपकी ओर से श्री परशुराम जी सरकार, श्री राम जी सरकार, श्री लक्ष्मण जी सरकार और व्यास मंच, आपने चारों केंद्र बिंदुओं पर 101 मुद्राएं सपने में प्रस्तुत किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राम जी ने उस माही का प्रयोग कर दिया कि श्री परशुराम जी का क्रोध एकदम उड़ गया, उड़ गया। फिर भी लक्ष्मण जी कुछ टेढ़े होके देखे तो परशुराम जी मारने के लिए तैयार हो गए, तो राम जी ने एक सूत्र का प्रयोग किया, बस उसी सूत्र को सुन करके श्री परशुराम जी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हे दीनानाथ, राम कहा हे दीनानाथ, धनुष तो छूते ही टूट गया है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। छूता ही टूट बिना के पुराना, मैं के ही है तो करहूँ अभिमाना। जो हम निज रही भी प्रमद सकते सुन भ्रगुनाथ, तब से को जग सुभड जही भय बस न बजनाथ। देव दानुज भो बट बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हम बचाराय कोई लगे सुखे न काल के न होये। क्षत्रिय तन धारी समरे सकाना, कुल कालंक के ही पावर आना। विप्र प्रसादत धरनी धारो हम, विप्र प्रसादत अजत अजत हम, विप्र प्रसादत यमुना बनो हम, विप्र प्रसादत मम राम नाम मम। विप्र बस कह अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुन वेदु गुरु बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मत के। जन गया नारायण आपके स्वरूप के, आपके प्रभाव को
राघवेंद्र आप साधारण नहीं है, आप साक्षात नारायण के अवतार है। ये नारायण के द्वारा प्रदत्त धनुष है, अब इसको चढ़ा करके आप मेरे संदेह को दूर करें। राम रमापति कर धनु ले हो खैचाओ मिटय मोर संदेह। जाना रामा प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाते हो रामा जोरी पानी भोले बचन हृदय न प्रेम यमात हो रामा। न जानाथ भगवन रमा के पति हो, न जानाथ भगवन सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, न जाना कि संतों कि तुम आत्मा हो, न जाना तुम ही हो धनुष के तुरैया, न जाना तुम ही हो धरणी के धरैया, न जाना तुम ही हो भगति भौतरैया, न जाना तुम ही हो शिया के परैया, कहे कटु वचन प्रभु क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा, अब की जय सोई जिमी बने प्रभु हमारी, उबारो यमारो शरण में तिहारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए लखनलाल की, जानकी मैया की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवताओं की, संत समाज की, आज के आनंद की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रघुकुल के तो रघुपति गए बनहीं तपहि तू। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।